हाय गाइस, गुड इवनिंग। लेट मी नो अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। जस्ट टाइप यस, कैन यू हियर मी? गुड इवनिंग एवरीवन। ओके ग्रेट। सो गाइस, वेलकम टू द सेकेंड क्लास। और लेट्स स्टार्ट इन 2 मिनट्स, और अदर जस्ट 1 मिनट। 8 बजे एग्जैक्टली हम लोग स्टार्ट करेंगे। जस्ट गेट कंफर्टेबल, बैठ जाओ आराम से। अगले 2 घंटे हम लोग सॉलिड कोडिंग करने वाले, तो एक कंफर्टेबल पोजिशन ले लो अगले 2 घंटों के लिए। ओके चलो गाइस, 8 बज गए, लेट्स स्टार्ट। तो फिर से आज स्टार्ट करने के पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन, आज का क्लास कैसे होने वाला है। इनफैक्ट उसके पहले एक चीज मुझे आपको दिखानी है। मैंने ये नोट पैड पे लिख रखा है, आई होप आपको ये नोट पैड फाइल दिखाई दे रही है। तो आज की क्लास स्टार्ट होने के पहले एक बार कल की क्लास की थोड़ी बात करेंगे। कल हमारा पहला सेशन था, और मैंने आपको बोला था कि सेशन के बाद आपको रिकॉर्डिंग्स, सारे के सारे कोड्स और एक टास्क दिया जाएगा, ठीक है? वो मैंने कल रात में ही डाल दिया था। बहुत लोगों को शायद कंफ्यूजन है कि कहाँ से एक्सेस करना है, तो एक बार मैं वो क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है? देखो, जब भी कोई भी सेशन कंप्लीट होगा ना, उससे रिलेटेड सारी चीजें आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगी। सो आपको क्या करना है कि आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट का नाम है campusx.in। जैसे आप ओपन करोगे इस वेबसाइट को, आपको ये पेज दिखाई देगा, और आपको सीधे चले जाना है टाइमलाइन पे, ठीक है? टाइमलाइन पे आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे, बॉटम पे यहां पर अगर आप देखो तो आपको दिखाई दे रहा होगा सेशन 1, पाइथन फंडामेंटल्स। अब वहां पे आपको क्या करना है, डिटेल्स पे क्लिक करना है। एक नया पेज खुलेगा, और उस नए पेज में ये रहा आपका लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग। इसको आप यहां से भी चला के देख सकते हो, यूट्यूब पे जाके भी देख सकते हो, ठीक है? यहां पर बगल में आपको इसका कोड मिलेगा। जो भी हमने कोड लिखा था उस सेशन में, वो सारा कोड आपको यहां पे दिख जाएगा, और यहां पर नीचे आपको टास्क भी दिख जाएगा। अगर आप यहां पे क्लिक करते तो ये हमारा टास्क था। कल मैंने आपको 10 क्वेश्चंस दिए थे, क्योंकि हमने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, हमने लिटरल्स तक पढ़ा था, तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस मैं डाल पाया मैंने डाल दिया। इनफैक्ट उनमें से एक दो क्वेश्चन सिर्फ लिटरल से बनेंगे भी नहीं, शायद इफ एल्स यूज करना पड़ेगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज आप लोग पढ़ोगे तो फिर हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका टास्क 1 था, ओके? तो ये मुझे आपको पहली चीज बतानी थी। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर टास्क कहाँ पर है, तो मैंने यूट्यूब में भी डाला था और हमारी वेबसाइट पे अपडेटेड भी है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ आपको क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है, टाइमलाइन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे नीचे आपको एक कार्ड मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपको उस सेशन का पेज दिख जाएगा। यहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, वीडियो भी मिल जाएगा, कोड्स भी मिल जाएंगे, टास्क भी मिल जाएगा, ठीक है? पहली चीज क्लियर हो गई, आगे बढ़ रहे। सेकेंड इज डाउट क्लियरेंस। सो जो भी पेड मेंबर्स हो आप लोगों में से, आपके लिए डाउट क्लियरेंस का फीचर हमने रखा है। तो मैंने आज सुबह क्या किया था कि अगर आप कैंपस एक्स के यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहां पे अगर आप मेंबरशिप वाले टैब में जाओ, जो सिर्फ आपको दिखाई देता है पेड वालों को, तो वहां पर मैंने नीचे ये पोस्ट डाल दिया था कि अगर आपको इस पूरे वीक कोई भी डाउट होता है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। जैसे इस फॉर्म पे क्लिक करोगे, ये गूगल फॉर्म खुल जाएगा। आपको कभी भी कोई भी परेशानी हो रही है इस पूरे वीक में, आप ये फॉर्म फिल करो, ये डेटा हमारे पास आएगा। हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो लोग आपके डाउट को सॉल्व करेंगे और आपको ईमेल में वापस रिप्लाई कर देंगे। अगर कोई ऐसा डाउट है जो सॉल्व नहीं हो पाया, तो हम उसको सैटरडे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अभी तक कुछ 15-16 लोगों ने डाउट्स पूछे थे, हमने ऑलरेडी उनमें से कई लोगों के डाउट्स वापस हमने सॉल्व करके भेज दिए हैं ईमेल पे। आई होप जिसने भी भेजा होगा उसको मिल गया होगा। बाकी
पूरे वीक आप लोग इस फॉर्म को फिल करके अपना डाउट्स भेज सकते हो, ठीक है। तो ये सेकंड बात हो गई। थर्ड चीज, आज जब आप आज का सेशन कर रहे होगे ना, तो ड्यूरिंग सेशन अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप चैट में फिर से पूछ सकते हो। आज क्या डिफरेंट है कि हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो भी चैट में हैं, तो आपको वो तुरंत वहीं पे आंसर करने लग जाएंगे। मैं भी आंसर करूंगा, लेट्स से आई एम टेकिंग अ ब्रेक, ठीक है, दो टॉपिक्स के बीच में मैं ब्रेक ले रहा हूँ, वहां पे मैं भी आंसर करूंगा। बट आप कभी भी पूछोगे तो हमारे टीम मेंबर्स आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चैट में भी हमारे बंदे हैं, ठीक है। सो ये भी चीज एक बतानी थी। और अब लास्टली एक चीज और, आज का जो वीडियो अभी चल रहा है, जो आप वीडियो देख रहे हो, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको फिर से आज एक गूगल कोलैब फाइल मिलेगी, उसको ओपन कर लो। जब आप उस गूगल कोलैब फाइल को ओपन करोगे तो आपको वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। दिस इज द फाइल, हम लोग आज इस फाइल में कोड करने वाले हैं। तो कहाँ से मिलेगी ये फाइल? जो वीडियो आप देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, इसको ओपन करो, हम लोग आज इस फाइल में कोड करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तीन चार चीजें आपको बतानी थी स्टार्ट करने के पहले। अब जल्दी से मैं आपको बता रहा हूँ हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं। आज हम लोग तीन चीजें सीखेंगे, ठीक है, ऑपरेटर्स, इफ एल्स और लूप्स। अब कहने को ये छोटे टॉपिक्स हैं, बट ट्रस्ट मी, दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जिनका यहाँ पे लॉजिक बिल्डिंग नहीं हो पाया वो आगे बड़े प्रोग्राम्स नहीं लिख पाते। तो मैं चाहता तो ये पूरे टॉपिक्स आधे घंटे में भी कंप्लीट कर सकता था, बट आई एम गोइंग टू टेक अ 2 आवर लॉन्ग सेशन ऑन दीज टॉपिक्स, बिकॉज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, हम लोग कोड भी करेंगे आज। सो मेरा प्लान है, मैं आपको अराउंड 15 प्रोग्राम्स कराऊंगा आज इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर। और गोल ये होगा कि आपको एकदम अच्छे से ऑपरेटर्स, लूप्स, इफ एल्स के ऊपर कंट्रोल आ जाना चाहिए। फिर कल सुबह आपको एक टास्क मिलेगा जिसमें अराउंड 30 क्वेश्चंस होंगे इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर। अगर आप वो 30 क्वेश्चंस भी कर लोगे तो फिर आप इन टॉपिक में कभी परेशान नहीं होगे, ठीक है। तो छोटा सा ही टॉपिक है बट बहुत डीप जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार चैट ओपन कर रहा हूँ, अभी तक अगर आपको कुछ भी परेशानी है तो आप मेरे से इस पॉइंट पे पूछ सकते हो। 2 मिनट में हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। यप, सो गाइस, अगर अभी तक किसी को प्रॉब्लम है तो मैं 2 मिनट ले रहा हूं बस कुछ लोगों के क्वेश्चंस आंसर करने के लिए। अभिनाश, मैंने अभी जस्ट ये बताया है कि आपको टास्क कहाँ से मिलेगा। हमारी वेबसाइट पे जाओ, टाइमलाइन पे क्लिक करो, आपको टास्क मिलेगा। सुधांशु इज सेइंग आफ्टर ऑल द 10 क्वेश्चंस बिलोंग टू द टॉपिक वी स्टडीड यस्टरडे। हो सकता है कुछ बाहर का हो, ऑल दो आप जो बोल रहे हो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, उसका एक फॉर्मूला होता है, लूप चलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, धनंजय इज आस्किंग हाउ टू सेव आवर वर्क ऑन गूगल कोलैब। धनंजय, आपको सेव करने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है। पिकाचू इज आस्किंग चिकन एंड डॉग क्वेश्चन। यार ये तो आपको करना है, मतलब मैं ये सारी चीजों का सोल्यूशन सैटरडे को बताऊंगा, सैटरडे तक आप लोग कोशिश करो ना। सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको सैटरडे को मिलेगा, जो भी सॉल्यूशन है सब सैटरडे को मिलेगा, तब तक आपको ट्राई करते रहना है, ठीक है। अब नहीं हो रहा है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, बिकॉज प्रोग्रामिंग तो यार कर करके ही होगा, फेल हो के ही सीखोगे, ठीक है। तो चलो फिर, और कुछ डाउट्स नहीं है, आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। चलो फिर गाइस, ये गूगल कोलैब नोटबुक ओपन कर लो, इसी नोटबुक में हम लोग आज पूरा सेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट विथ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे। हम लोग अभी सीखने वाले हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, शायद आपको पहले से पता होगा, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स का डेफिनेशन थोड़ा फनी है, बिकॉज समझ में नहीं आता कैसे डिफाइन करें, बट मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता सकता हूँ कि दो ऑपरेंड्स के ऊपर जब आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो, या कोई ऑपरेशन लगाना चाहते हो, तो जो ऑपरेशन लगाने के लिए जो चीज आप यूज करते हो उसको ऑपरेटर बोलते हो। जैसे कि एक एग्जांपल ये हो गया कि मान लो आपके पास दो नंबर्स हैं और आप उन दोनों को जोड़ना चाहते हो, तो आप प्लस यूज करोगे, तो प्लस इज एन ऑपरेटर, ठीक है। सिमिलरली डिवाइड इज एन ऑपरेटर, मल्टीप्लीकेशन इज एन ऑपरेटर। तो देर आर डिफरेंट ऑपरेटर्स। पाइथन में आप 6 अलग टाइप के ऑपरेटर्स पढ़ोगे। द फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक, जो मैथमेटिकल होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिविजन। उसके बाद होते हैं रिलेशनल, ग्रेटर देन, लेस देन, डबल इक्वल टू, लॉजिकल, एंड और नॉट, बिटवाइज, थोड़ी देर बाद में आपको पढ़ाता हूँ, असाइनमेंट, इक्वल टू होता है,
मेंबरशिप एक अलग टाइप का ऑपरेटर होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? तो अभी हमारा नेक्स्ट गोल क्या है, अगले 10 मिनट्स में हम लोग ये सारे ऑपरेटर्स एक एक करके देखेंगे, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विथ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वही है यार जो आपने बचपन से पढ़े हैं, मैं आपको सारे के सारे एक बार रन करके दिखा देता हूँ। तो ये हो गया आपका एडिशन, ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ये हो गया आपका डिवीजन, इसको बोलते हैं इंटीजर डिवीजन, इसको बोलते हैं इंटीजर डिवीजन। इंटीजर डिवीजन क्या करता है कि जब आप डिवाइड करते हो और आपका क्वोशेंट अगर डेसिमल है तो इंटीजर डिवीजन क्या करेगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो आपने ये किया 5 इंटीजर डिवीजन 2, नॉर्मल डिवीजन करते तो आंसर क्या आता, 2.5। बट जब आप इंटीजर डिवीजन करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2। वाई? बिकॉज ये क्या करता है, 2.5 को जो कि एक डेसिमल है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा 2, ठीक है? दैट इज वाई आपका आंसर क्या आएगा, 2। देख लो एक बार, इनफैक्ट यहां पे भी मैं आपको 5 डिवाइडेड बाय 2 करके दिखाता हूं। ये देखो लास्ट वाला 2 पे फोकस करो, ऊपर वाले तीनों तो आपको समझ में आ रहे होंगे। सो 2.5 आ रहा है बिकॉज आपने नॉर्मल डिविजन किया, और 2 आ रहा है बिकॉज आपने इंटीजर डिविजन किया। हमेशा याद रखना इंटीजर डिविजन क्या करता है, नॉर्मल डिविजन का जो रिजल्ट होता है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है स्पेशल, ठीक है? इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस क्या करता है, डिवाइड करता है और रिमाइंडर आपको बताता है। जैसे 5 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 1, और वही आपका आंसर है। ये देखो लास्ट में इस ऑपरेशन की वजह से 1 आ रहा है बिकॉज मॉड्यूलस क्या करता है, रिमाइंडर देता है, ठीक है? इसके अलावा एक और है जो पाइथन में होता है, बाकी जगहों पे शायद नहीं होता, इसको बोलते हैं पावर ऑफ ऑपरेटर। इसमें क्या होता है कि आप बोल रहे हो 5 to the power 2, तो जब आप इसको प्रिंट करोगे आपको आउटपुट में मिल जाएगा 25। तो यही होते हैं आपके सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिविजन इंटीजर डिविजन मॉड्यूलस पावर ऑफ, ठीक है? आई होप समझ में आ रहा है, इजी है, एक बार चला के देख लो अपने मशीन पे। नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है? सो रिलेशनल ऑपरेटर्स का क्या फंडा है कि जब भी आप दो चीजों को कंपेयर करते हो तो आप रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करते हो। कौन ज्यादा बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बराबर है, ये चीजें देखने के लिए आप रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज करते हो, ठीक है? जैसे कि मैं आपको जल्दी से दिखाता हूं, print 4 greater than 5, आपको क्या मिलेगा, फॉल्स। ये है ग्रेटर देन ऑपरेटर। सिमिलरली वी हैव लेस देन ऑपरेटर, वी हैव ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर, वी हैव लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर, वी हैव डबल इक्वल टू ऑपरेटर, जो ये चेक करता है कि दोनों चीजें बराबर हैं या नहीं। और फिर एक और होता है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, जो ये चेक करता है कि कहीं बराबर है कि नहीं, ठीक है? ये रहा आपका आंसर सी। सिंपल है यार, मतलब ये सारी चीजें शायद आप तुरंत समझ पा रहे हो। आप बेसिकली दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है? ये जो ऑपरेटर्स हैं ये काफी यूज होते हैं जब आप प्रोग्राम्स लिखोगे। आज के भी क्लास में आप नोटिस करोगे कई बार हम लोग इन ऑपरेटर्स को यूज करेंगे, ठीक है? तो अभी बस एक बार देख लो, मैं आपकी बस मुलाकात करवा रहा हूँ, दोस्ती करवा रहा हूँ। फ्यूचर में आप इन सारे ऑपरेटर्स को बहुत यूज करने वाले हो अलग अलग प्रोग्राम्स में, ठीक है? इसके बाद अगला जो सेट ऑफ ऑपरेटर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्राम में लॉजिक बिल्डिंग के लिए। इनको बोला जाता है लॉजिकल ऑपरेटर, और इसमें तीन तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और एंड नॉट, ठीक है? एंड क्या होता है, एंड 1 तब देता है जब दोनों ही 1 हो, राइट? अगर दोनों में से एक भी 0 है या दोनों 0 है तो आउटपुट 0 होगा, ठीक है? और क्या होता है, अगर दोनों में से एक भी 1 है या फिर दोनों 1 है तो आउटपुट 1 होगा,
और अदरवाइज जीरो होगा। ठीक है, लेट मी क्विकली शो इट टू यू। प्रिंट वन एंड जीरो, आई गेस आप समझ पा रहे हो इसका आउटपुट क्या होगा, जीरो, बिकॉज दोनों के दोनों वन होंगे तभी एंड का आउटपुट वन होगा। वन और जीरो, इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा वन, बिकॉज और में अगर कोई एक भी ट्रू होता है तो आप क्या कर सकते हो, वन का आउटपुट दे सकते हो। एंड द लास्ट वन इज नॉट। नॉट क्या करता है, वन को जीरो बना देता है, जीरो को वन बता देता है। अभी आपको आंसर फॉल्स दिखाई दे रहा है, बट वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाइथन इंटरनली फॉल्स को जीरो समझता है, दैट इज वाई द आंसर इज फॉल्स। ठीक है, क्योंकि आंसर बूलियन में, इसीलिए। ठीक है, तो ये तीन आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। अगेन लॉजिक बिल्डिंग में आप इनको बहुत यूज करोगे। अभी हम लोग एक प्रोग्राम लिखेंगे जहां पर आप नोटिस करोगे हम लोग ये ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने तीन तरह के ऑपरेटर्स देखे। हमने देखा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को, हमने देखा रिलेशनल ऑपरेटर्स को, और हमने देखा लॉजिकल ऑपरेटर्स को। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और एक बहुत अलग टाइप के ऑपरेटर्स को देखने वाले हैं। इनको बोला जाता है बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स आर स्पेशल ऑपरेटर्स जो बाइनरी वैल्यूज के ऊपर ऑपरेट करते हैं। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। तो यहां पे भी अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स हैं बिटवाइज के अंदर भी। सो देर इज बिटवाइज और, बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सॉर, बिटवाइज नॉट, बिटवाइज राइट शिफ्ट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं। मैं आपको एक बार चला के दिखाता हूं। लेट्स से थोड़ी देर के लिए मैंने ये लिख दिया, टू एम्परसेंड थ्री, ये कौन सा ऑपरेटर है, ये है बिटवाइज एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये देखो इसका आंसर होगा, जैसे आप इस कोड को रन करोगे द आंसर इज टू। अब अगर आप फर्स्ट टाइम इन ऑपरेटर्स को देख रहे हो तो शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे कि आंसर टू कैसे आया। लेट मी शो इट टू यू। सो समझने के लिए हम क्या करेंगे, नोटपैड में जा रहे हैं और टू और थ्री इन दोनों का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो 010 और 110, आई गेस मैं सही कर रहा हूं, दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू एंड थ्री। ठीक है, ऊपर वाला टू है, नीचे वाला थ्री है। हम क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं एंड ऑपरेशन। ठीक है, तो ये देखो, ये और ये, इन दोनों के ऊपर जब आप एंड लगाओगे तो आपको मिलेगा जीरो, फिर वन और वन के ऊपर आप एंड लगाओगे तो आपको मिलेगा वन, जीरो और जीरो के ऊपर एंड लगाओगे तो आपको मिलेगा जीरो। ये किसका बाइनरी पैटर्न है, ये बाइनरी पैटर्न है टू का। दैट इज वाई जब आपने एंड लगाया तो आपको आंसर में क्या मिला, टू। ठीक है, सिमिलरली लेट मी शो यू बिटवाइज और ऑपरेटर। ठीक है, बिटवाइज और ऑपरेटर कुछ ऐसा दिखाई देता है, दिस इज बिटवाइज और ऑपरेटर, ये डंडा लगाते हो आप। ठीक है, इसको जब आप रन करोगे इस बार आपका आउटपुट आ रहा है थ्री। थ्री कैसे आ रहा है, फिर से देख लो, हम इस बार क्या कर रहे हैं, और ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो यहां पे जीरो और वन के ऊपर जब आपने और लगाया आपको मिला वन, आपको मिला वन, फिर आपने वन और वन के ऊपर लगाया तो फिर से मिला वन, जीरो और जीरो के ऊपर लगाया तो आपको मिला जीरो, और ये किसका बाइनरी पैटर्न है, ये बाइनरी पैटर्न है थ्री का। दैट इज वाई यहां पे आपका आउटपुट वॉज थ्री। ठीक है, अब लेट मी क्विकली आस्क यू अ क्वेश्चन। अगर आप लोगों को अभी तक समझ में आया तो आप मुझे आंसर में बताओ कि जब मैं बिटवाइज एक्सॉर लगाऊंगा और मैं ये कोड लिखूंगा टू एक्सॉर थ्री, ये बिटवाइज एक्सॉर का सिंबल है, आपको बताना है, कॉपी पेन आप यूज कर सकते हो, आपको बताना है अगले 1 मिनट में आंसर क्या आएगा। मैंने चैट ओपन ओपन किया है, लेट मी नो क्या लग रहा है आपको, व्हाट विल बी द आंसर। कम ऑन गाइस, ओके सही बोल रहे हो आप लोग, द आंसर इज वन, आई गेस वन ही आना चाहिए, द आंसर इज वन। जिन लोगों ने भी एक्सॉर ऑपरेशन पढ़ा होगा उनको समझ में आ गया होगा कैसे आंसर वन आ रहा है। ध्यान से देखो,
हम क्या कर रहे हैं इस बार, एग्जॉर ऑपरेशन लगा रहे हैं। एग्जॉर ऑपरेशन का फंडा क्या होता है, अगर दोनों सेम है तो जीरो होगा और दोनों अलग है तो वन होगा। ठीक है, फिर से सुनो, दोनों सेम है तो जीरो होगा, दोनों अलग है तो वन होगा। ठीक है, यहां पर देखो, जीरो और वन, जीरो और वन, ये दोनों अलग है तो मैं एक्चुअली कंफ्यूज हो गया। क्या होता है, किसी को याद है? सेम में इट इज जीरो और वन, चैट में बताओ, सेम में इज इट जीरो और वन? सेम में इट इज जीरो, सेम में जीरो, तो जीरो और वन अलग है तो दिस वुड बी वन, जीरो एंड जीरो, तो दिस इज द बाइनरी पैटर्न ऑफ वन ना, जीरो जीरो वन इज बाइनरी पैटर्न ऑफ वन क्या? हमने कुछ गलत किया क्या? बाइनरी टू डेसिमल, वही तो, इट शुड बी 001। मैं क्या गलती कर रहा हूं, एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग? एक्चुअली ये जीरो एंड में लगाने का जरूरत नहीं है, मतलब 01 गिव्स यू 2 और 11 गिव्स यू 3, एंड में जीरो लगाने का जरूरत नहीं है। अगर आप ये तरीके से करो तो 01 होगा 1 और 11 होगा 0, तो 01, ओके फाइन, आई गॉट कंफ्यूज इसमें। बेसिक फंडा ये है, ध्यान से सुन लो, फालतू में आप कंफ्यूज मत हो। द फंडा इज दिस कि जब आप एग्जॉर लगाते हो तो दोनों बाइनरी में कन्वर्ट होते हैं, और बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है कि जब भी सेम होता है ऊपर नीचे तो जीरो आ जाता है उस जगह पे, और जब भी डिफरेंट होता है तो वन आ जाता है। ठीक है, और फिर जो पैटर्न फॉर्म होता है वही प्रिंट हो जाता है, तो 2 और 3 में द आंसर इज वन। ठीक है, थोड़ा सा आई गॉट कंफ्यूज, मैं इस नोटबुक में इस चीज को रेक्टिफाई करके ऐड कर दूंगा आफ्टर द सेशन। ठीक है, डोंट वरी, बट जो भी है, फिलहाल हमने तीन अलग अलग ऑपरेटर्स पढ़े, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और एंड बिटवाइज एक्सॉर। ठीक है, इसके अलावा तीन और होते हैं, एक होता है बिटवाइज नॉट, जो इस सिंबल से दिखाई देता है, बेसिकली वन को जीरो कर देना और जीरो को वन कर देना। सो अगर आप ये लिख रहे हो तो दिस विल गिव यू द नॉट ऑफ 3। ठीक है, सो जितने भी बिट पैटर्न्स हैं, 3 के जितने भी बिट पैटर्न्स हैं उसमें वन को जीरो, जीरो को वन कर देना। उसके बाद एक होता है लेफ्ट शिफ्ट, जैसे कि मान लो आपने ये लिखा, तो आप क्या कर रहे हो, 4 का बाइनरी लिख रहे हो और हर बिट पैटर्न को दो दो से शिफ्ट कर रहे हो। ठीक है, लेफ्ट की साइड, तो इसको बोला जाता है बिटवाइज लेफ्ट ऑपरेटर। और फिर एक और होता है बिटवाइज राइट, जो बेसिकली क्या करता है, राइट की तरफ शिफ्ट करता है, आप जितने भी चाहो उतने नंबर से आप शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ऑनेस्टली बिटवाइज ऑपरेटर्स उतने ज्यादा यूज नहीं होते नॉर्मल प्रोग्रामिंग में, या डेटा साइंस में यू वुड सी उतना यूसेज नहीं है। मे बी थोड़ा बहुत अगर आप इमेज प्रोसेसिंग या फिर कंप्यूटर विजन के कुछ प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, वहां पे हो सकता है कि आप बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज करो, स्पेशली बिटवाइज एंड एंड बिटवाइज और। ठीक है, या फिर उनका कॉम्बिनेशन, बट बाकी के जो लेफ्ट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट है और नॉट है, ये उतना यूज नहीं होता। एटलीस्ट मैंने जितना भी मशीन लर्निंग डेटा साइंस किया है उतना ज्यादा यूजफुल नहीं है। तो फिलहाल बस आप इतना समझ लो कि बिटवाइज ऑपरेटर्स ऑपरेट ऑन बाइनरी वैल्यूज। ठीक है, और उसके बाद आप कॉपी पेन करके कर सकते हो, बट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपके पास ऑलरेडी कोड अवेलेबल है, आप डायरेक्टली पाइथन के ऑपरेटर्स को यूज करके रिजल्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो अभी तक हमने 4 ऑपरेटर्स पढ़े,
हमने पहला पढ़ा अरिथमेटिक ऑपरेटर, उसके बाद हमने पढ़ा रिलेशनल ऑपरेटर्स, उसके बाद हमने पढ़ा लॉजिकल ऑपरेटर्स, उसके बाद फोर्थ हमने पढ़ा बिटवाइज ऑपरेटर्स। दो बचे हैं, जल्दी से उनको कवर करते हैं। द नेक्स्ट वन इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर किसको बोलते हैं? ये जो इक्वल टू आपने पढ़ा है ना, जैसे आपने ये स्टेटमेंट लिखा ए इज इक्वल टू टू, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसमें ए क्या है? ए है आपका वेरिएबल। टू क्या है? हमने कल पढ़ा था लिटरल। ये जो इक्वल टू है ना, इसी को बोला जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर रहे हो यूजिंग इक्वल टू। ठीक है, अब वेरिएबल्स क्रिएट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज करने के अलग अलग तरीके होते हैं। आप चाहो तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स को बाकी ऑपरेटर्स के साथ यूज कर सकते हो। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। मान लो आपने ये लिखा ए इज इक्वल टू टू, और फिर आपने लिखा ए प्लस इक्वल टू टू, और अब आपने किया प्रिंट ए। आई गेस आप समझ पा रहे हो आउटपुट क्या होगा। आउटपुट वुड बी फोर। वाई? बिकॉज ये जो आपने स्टेटमेंट लिखा है, यहां पर क्या हो रहा है, आप ये लिख रहे हो, दिस इज एक्चुअली दिस स्टेटमेंट। जब भी आप लिखते हो ए प्लस इक्वल टू टू, इसका मतलब प्रोग्रामिंग में क्या हुआ कि ए का जो करंट वैल्यू है उसमें आप टू ऐड करो और वापस उसको किसमें स्टोर कर दो, ए के अंदर। ठीक है, तो ये जो दो स्टेप का काम है उसको आपने एक लाइन में लिख दिया। ठीक है, सिमिलरली आप चाहो तो प्लस के बदले डिविजन यूज कर सकते हो, या मल्टीप्लीकेशन यूज कर सकते हो, या फिर आप मॉड्यूलस यूज कर सकते हो। और इसका बेसिकली मतलब यही होगा कि आप बोल रहे हो ए इज इक्वल टू ए मॉड्यूलस टू। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर को आप अलग अलग ऑपरेटर्स के साथ इन कंजक्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स में कुछ खास पढ़ना नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हो असाइनमेंट ऑपरेटर्स को कैसे यूज करना है। अगर आपको फ्यूचर में कभी ये सिंटेक्स दिख जाए तो आपको बस कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एक और चीज, अगर आप लोगों में से कोई सी सी प्लस प्लस पढ़ के आया है तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा ऑलरेडी, यहां पर ये वाला नोटेशन यूज नहीं होता है, ए प्लस प्लस या प्लस प्लस ए। पाइथन में ये नोटेशन काम नहीं करता है। ठीक है, दिस इज नॉट अलाउड। मे बी वन रीजन इज, इसकी वजह से एम्बिग्यूटी होता है, कंफ्यूजन होता है। अगर आपको याद होगा जब आप सी पढ़ते थे तो आधा टाइम सोचने में निकल जाता था कि प्लस प्लस ए या ए प्लस प्लस में क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, तो पाइथन ने बोला कंफ्यूजन हटाओ, वो हमें रखना ही नहीं है, हम एक सिंपल सा नोटेशन रखेंगे, ए इज इक्वल टू ए प्लस टू या फिर ए प्लस इक्वल टू टू, ये वाला नोटेशन। यही दो नोटेशन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स सिंपल है, इक्वल टू को आप असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हो, एंड इफ यू वांट आप असाइनमेंट ऑपरेटर को अलग अलग ऑपरेटर्स के साथ यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट ऑपरेटर, विच इन माई ओपिनियन इज अ वेरी स्टाइलिश ऑपरेटर, बिकॉज इसको यूज करके आप बहुत इंटरेस्टिंग चीजें कर सकते हो। ठीक है, इनको बोला जाता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप में दो तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, पहला होता है इन और दूसरा होता है नॉट इन। तो मेंबरशिप ऑपरेटर ये बताता है कि किसी गिवन चीज में कोई दूसरी चीज है या नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं ये पता करना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली जो टेक्स्ट है उसके अंदर डी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो मैं क्या कोड लिखूंगा? मैं लिखूंगा प्रिंट डेली, सॉरी प्रिंट डी इन डेली। सो मैं क्या क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं कि डेली वर्ड के अंदर डी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ऑब्वियसली एग्जिस्ट करता है, इसलिए जब आप इस कोड को रन करोगे आउटपुट आएगा ट्रू। ठीक है, अब सोच के देखो ये ऑपरेटर कितना फायदेमंद है, कितने काम का है, क्योंकि अगर ये ऑपरेटर एग्जिस्ट नहीं करता और आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता कि दिल्ली के अंदर डी है कि नहीं, तो आपको एक लूप चलाना पड़ता, सारे कैरेक्टर्स को टच करना पड़ता, और फिर जाकर के आप बता पाते कि दिल्ली के अंदर डी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर आपको लूप चलाने की जरूरत नहीं है, दिस इज एन ऑप्टिमाइज्ड पीस ऑफ कोड, लूप से भी फास्ट चलता है और बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो यही मैंने आपको कल की क्लास में बताया था जब हम डिस्कस कर रहे थे कि पाइथन इतना फेमस क्यों हुआ, क्योंकि पाइथन के अंदर इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी कि आपको खुद से स्क्रैच से हर चीज का कोड नहीं लिखना, इस तरह के छोटे छोटे यूटिलिटी फंक्शंस और सिंटेक्स आपको मिल जाएंगे जो आपका काम आसान करते हैं। ठीक है, इन मैंने आपको दिखा दिया, जल्दी से देख लो नॉट इन कैसे काम करता है।
नॉट इन आपको ठीक उल्टा रिजल्ट देगा और आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, फॉल्स. एंड द गुड पार्ट अबाउट दिस मेंबरशिप ऑपरेटर इज कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्ट्रिंग्स के ऊपर काम करता है, ये बाकी डेटा टाइप्स के ऊपर भी काम करता है. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं. मान लो हम ये चेक करना चाहते हैं कि किसी गिवन लिस्ट के अंदर वन आता है कि नहीं, तो हम ये क्वेश्चन पूछेंगे, वन इन 2, 3, 4, 5, 6. और अब हम इसको जैसे ही रन करेंगे, यू वुड सी द आंसर इज फॉल्स, बिकॉज हमने जो लिस्ट प्रोवाइड किया है उसके अंदर वन नहीं आता. ठीक है, तो नॉट ओनली ये स्ट्रिंग्स के ऊपर काम करता है, बट लिस्ट के ऊपर भी काम करता है, टपल के ऊपर भी काम करता है, सेट्स के ऊपर भी काम करता है और डिक्शनरीज के ऊपर भी काम करता है. मैं आपको ये सब कुछ दिखाऊंगा जब हम ये सारे के सारे डेटा टाइप्स पढ़ेंगे डिटेल में, बट अभी आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये इन ऑपरेटर करता क्या है और किन किन चीजों के ऊपर काम करता है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का पहला टॉपिक जहां पे हमें डिस्कस करना था पाइथन के ऑपरेटर्स. हमने टोटल मिला के 6 ऑपरेटर्स डिस्कस किए. पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं. सेकेंड है रिलेशनल ऑपरेटर्स जिनको हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी बोलते हैं. थर्ड वाज लॉजिकल एंड और नॉट. देन वी डिड बिटवाइज बाइनरी वैल्यूज के ऊपर काम करने वाले. फिर हमने पढ़ा असाइनमेंट वाला ऑपरेटर, इक्वल टू को आप असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हो. और लास्ट में हमने पढ़ा मेंबरशिप ऑपरेटर. ठीक है, तो ये 6 ऑपरेटर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सोर वाला चीज मैं उसको एक बार फिक्स करके कोड में ऐड कर दूंगा. बाकी इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज आस्क. मैं चैट ओपन कर रहा हूं. शशांक इज आस्किंग प्लस इक्वल टू और इक्वल टू प्लस में क्या डिफरेंस होता है. इक्वल टू प्लस तो नहीं होता है शशांक, प्लस प्लस इक्वल टू ही होता है. पंकज इज आस्किंग मेंबरशिप ऑपरेटर केस सेंसिटिव है. यस, हमेशा स्मॉल में इन लिखना है या स्मॉल में नॉट इन लिखना है. दीपक इज आस्किंग डिफरेंस बिटवीन एंड एंड एम्परसेंट. दीपक, एंड जो है वो नॉर्मल एंड ऑपरेटर है, ठीक है, और जो एम्परसेंट है वो बिटवाइज एंड है. तो जब भी बाइनरी वैल्यूज के ऊपर आप एंड करना चाहते हो आप एम्परसेंट लगाओगे, बाकी सभी टाइम आप नॉर्मल एंड लगाओगे. आरती सिंह, कैन वी से रिलेशनल ऑपरेटर्स आर कंडीशनल ऑपरेटर्स. नहीं, आई डोंट थिंक सो आरती. हितेश इज आस्किंग डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी में डिफरेंस. ये आगे का टॉपिक है यार, ये हम लोग कवर करेंगे, डोंट वरी. गौरव, रिलेशनल ऑपरेटर्स यार बहुत सिंपल होते हैं. ग्रेटर देन, लेस देन, बेसिकली दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए होते हैं. ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू ये बताता है कि दोनों बराबर हैं या नहीं. नॉट इक्वल टू ये बताता है कि दोनों बराबर नहीं है क्या. ठीक है, मतलब कंफ्यूजिंग है बट आई गेस आपको समझ में आ रहा है. वैभव इज आस्किंग टर्नरी ऑपरेटर्स. उस तरीके से टर्नरी ऑपरेटर्स यूज नहीं होते हैं पाइथन में, है ही नहीं. आप इफ एल्स को यूज करके टर्नरी जैसा काम करवा सकते हो, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे. देवजीत सिंह, एंड और नॉट फिर से समझा दीजिए. यार एंड का सिंपल फंडा ये है कि आपके दोनों इनपुट्स अगर वन है तभी आउटपुट वन होगा, अदरवाइज आउटपुट हमेशा जीरो होगा. और में क्या होता है कि दोनों इनपुट्स में से अगर कोई भी वन है या दोनों वन है तो आउटपुट वन होगा, दोनों जीरो है तभी आउटपुट जीरो होगा. और नॉट इज इन्वर्टर, जीरो का वन, वन का जीरो. किसी ने पूछा है इज ऑपरेटर. एक और ऑपरेटर होता है इज ऑपरेटर, उसको आइडेंटिटी ऑपरेटर बोलते हैं. बट वो हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे. उसको मेंबरशिप नहीं बोला जाता. इज अलग है, इन अलग है. करण इज आस्किंग प्लस इक्वल टू स्ट्रिंग के लिए होता है क्या. हाँ होता है, स्ट्रिंग में अपेंड हो जाएगा. एक बार आप कोड रन करके देखो, अपेंड हो जाएगा. दीपक इज आस्किंग प्रिंट स्मॉल डी इन डेली. आंसर फॉल्स होगा क्योंकि केस सेंसिटिव है. ये सारे कोड्स यार आप लोग खुद चला के देख सकते हो. आप जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हो
यू कैन एक्चुअली रन इट ऑन योर मशीन ऑल्सो, आपको तुरंत आउटपुट दिख जाएगा। ठीक है चलो, बाकी क्वेश्चंस आप जो पूछ रहे हो मेरे टीममेट्स आपको एक एक करके आंसर बता देंगे। और अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं अभी आपको क्या करके दिखा रहा हूँ, एक प्रोग्राम लिख करके दिखा रहा हूँ। सो अभी आपने ऑपरेटर्स पढ़ा, लेट मी शो यू एक प्रोग्राम जो आप ऑपरेटर्स यूज करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, बट वहां पर आपको दिखाई देगा कि ऑपरेटर्स को कैसे यूज करना है। ठीक है, तो प्रोग्राम ये है कि मान लो एक यूजर आपको एक नंबर इनपुट में दे रहा है। ठीक है, वो जो नंबर है वो 3 डिजिट्स का है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको प्रिंट करना है उन 3ों डिजिट्स का सम। ठीक है, ध्यान से सुनना। मान लो यूजर ने इनपुट में दिया 615, तो आउटपुट क्या होना चाहिए, 6 + 1 + 5, ठीक है 12। तो हमें ये प्रोग्राम लिखना है। अब यहां पर आपको क्या करना है, ऑपरेटर्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, सो हम क्या फंडा यूज करेंगे इस प्रोग्राम में, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा अगर आप कॉपी पेन लेके सोचोगे तो आप समझ पाओगे। हमें बेसिकली हमारे गिवन नंबर में से सारे के सारे डिजिट्स को निकालना है। ठीक है, चलो मैं आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, यूजर से नंबर इनपुट मांग रहा हूं। सो आई एम राइटिंग इंटीजर ऑफ इनपुट ऑफ एंटर अ 3 डिजिट नंबर। ठीक है, यूजर एक नंबर टाइप करेगा 3 डिजिट का, उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूं, लेट्स कॉल इट नंबर। फिलहाल मैं उसमें आपको ये दिखा देता हूं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। अगर मैं प्रिंट कर दूं नंबर को तो आई वुड बी एबल टू सी यूजर ने क्या दिया है। जैसे यूजर ने दिया 345, तो ये 345 मुझे मिल रहा है। बाय द वे मैंने उसको ऑलरेडी इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज कल मैंने आपको पढ़ाया था जब भी आप इनपुट लेते हो यूजर से, पाइथन उसको बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में स्टोर करता है, बट सिंस हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने तो हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां से देखो हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, इस प्रोग्राम को हम सॉल्व कैसे करेंगे। हमें करना क्या है कि जो भी यूजर ने दिया हमें 345 दिया, हमें उसके 3ों नंबर्स को निकाल के उनको सम करना है। तो 3 को अलग निकालना है, 4 को अलग निकालना है, 5 को अलग निकालना है, तीनों को ऐड करना है, तो 3 + 4 + 5 करना है। तो सोचो कैसे आप सारे नंबर्स को निकाल सकते हो। ठीक है, तो फंडा बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवन नंबर है 3, 4, 5, हम उसमें एक एक करके पीछे से नंबर्स को निकालेंगे। ठीक है, फंडा बहुत सिंपल है। कैसे निकालोगे सोच के देखो, आपके पास 345 है, हमें उसमें से 5 को एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक तरीका क्या है कि आप मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करो, और आप क्या करो कि आपका जो गिवन नंबर है उसको 10 से मॉड्यूलस कर दो। बेसिकली आप ये कर दो, प्रिंट नंबर मॉड्यूलस 10। जैसे ही आप ये करोगे आपको आंसर में क्या मिल जाएगा, जैसे 345 आपका है तो आपको आउटपुट में मिल जाएगा 5, जो लास्ट नंबर है। ठीक है, क्योंकि जब 345 को आप 10 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर इज 5। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबसे पहले नंबर को बुला रहा हूं ए, और ए को मैं स्टोर कर ले रहा हूं आफ्टर दिस ऑपरेशन। अब मुझे निकालना है सेकेंड नंबर, और मैं सेकेंड नंबर निकालने के लिए भी सेम फंडा यूज करूंगा, 10 से मॉड्यूलस करूंगा। बट फिर से अगर 10 से मॉड्यूलस करूंगा तो मुझे 5 ही मिलेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 345 को छोटा करना पड़ेगा, 345 से मुझे 34 निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इंटीजर डिविजन का सहारा लूंगा। सो व्हाट आई विल डू इज आई वुड राइट दिस कोड, जो मेरा नंबर है उसको मैं इंटीजर डिविजन कर दूंगा 10 से। सोच के देखो, अगर आप 345 को इंटीजर डिविजन करते हो 10 से तो क्या होगा, 34.5 आएगा नॉर्मल डिविजन से, और उसको जब आप इंटीजर में कन्वर्ट करोगे तो आपको 34 मिलेगा। ये देखो, ये बोल रहा हूं मैं, 345 एंटर मारा, ये देखो 34 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, वापस नंबर में स्टोर कर दूंगा लाइक दिस। तो अब नंबर में क्या स्टोर्ड है, नंबर में है 34। और अब मैं बी निकालूंगा, बी क्या है, नंबर मॉड्यूलस 10। तो अब 34 को जब आप 10 से मॉड्यूलस करोगे तो आपको 4 मिल जाएगा। एंड आई गेस अब आपको समझ में आ रहा है। आप फिर से क्या करोगे, सेम ऑपरेशन को रिपीट कर दोगे, नंबर इंटीजर डिवीजन 10। अब आप 34 को जब आप इंटीजर डिवीजन करोगे तो आपको 3 मिलेगा,
और फिर जब आप सी निकालने जाओगे तो सी कैसे निकलेगा, नंबर मॉड्यूलस 10। ठीक है, सो मैं यहां पर कमेंट में लिख दे रहा हूं, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है 345 मॉड्यूलस 10, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है 34 मॉड्यूलस 10, और यहां पे क्या हो रहा है, 3 मॉड्यूलस 10। ठीक है, यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, यहां पे आपको मिल जाएगा 4, आई एम सॉरी, यहां पे आपको मिल जाएगा 5 अगर आपने 345 का इनपुट दिया है, यहां पे आपको मिल जाएगा 4 और यहां पे आपको मिल जाएगा 3। और अब आप लास्ट में जाकर के अगर लिखो प्रिंट ए प्लस बी प्लस सी, तो आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा 345। द आंसर इज 12। 3 + 4 7, 7 + 5 12। कोई और नंबर डाल के देख लेते हैं, मान लो हमने डाला 666, आपका आउटपुट क्या होगा, 18। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम है, बट इस सिंपल से प्रोग्राम में यू कैन सी आपने दो अरिथमेटिक ऑपरेशंस किए, पहला मॉड्यूलस और दूसरा इंटीजर डिवीजन। ये प्रोग्राम एक बार चला के देखो अपनी मशीन पे, और अगर आपको समझने में कोई परेशानी हुई इस प्रोग्राम को, लेट मी नो, मैंने एक चार्ट ओपन कर रखा है। खुशबू सिंह, लास्ट स्टेप कैन बी सी इक्वल टू नंबर, हाँ कैन बी डन, मतलब ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब मैंने बस कंटिन्यूटी के लिए कर दिया, डायरेक्टली आप सी इक्वल टू 10 भी लिख सकते थे, आपको लास्ट में करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, वो बार बार उस स्टेप को बस कर दिया। अभिजीत इज आस्किंग 3 मॉड्यूलस 10। देखो कभी भी अगर पहला नंबर छोटा होता है ना मॉड्यूलस करते टाइम, तो वही आंसर हो जाता है, 3 मॉड्यूलस 10 का आंसर विल बी 3, 5 मॉड्यूलस 10 का आंसर वुड बी 5, 1 मॉड्यूलस 10 का आंसर वुड बी 1। ठीक है, ये एक बार समझ लो, कॉपी पेन लेके करो। सबसे पहले आपने क्या किया, अपने नंबर से लास्ट वाले को निकाला, फिर नंबर को छोटा कर दिया, फिर उससे लास्ट वाले को निकाला, फिर नंबर को छोटा कर दिया, और ऐसे करके आपने तीनों नंबर्स एक्सट्रैक्ट कर लिए और फिर उनको जोड़ दिया। राज इज आस्किंग लूप चलाने के लिए, राज हमने अभी लूप पढ़ा नहीं है इसलिए लूप नहीं लगा रहे, आगे जब हम लूप पढ़ेंगे तो ये सेम क्वेश्चन को हम लोग लूप के थ्रू भी करेंगे, डोंट वरी। आई गेस ये क्वेश्चन ईजी था, बस आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना था कि किस तरीके से ऑपरेटर्स को यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलो गाइस अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, लाइक ये लूप से करेंगे यार, ये उतना एफिशिएंट तरीका नहीं है, मतलब आप बार बार थोड़ी ना ऐसा करोगे, मान लो 6 डिजिट का है तो क्या आप 6 बार थोड़ी ना ऐसा करोगे, हम ये लूप से करेंगे। सिंस हमने अभी लूप नहीं पढ़ा है तो मैंने आपको एक गरीब सा तरीका दिखाया, बट मेन है लॉजिक समझना कैसे काम हो रहा है। ठीक है, बाकी हम लोग इसको लूप से इंप्रूव कर देंगे, डोंट वरी। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक गाइस। अगला टॉपिक इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्चुअली वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। हम समझने जा रहे हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होते हैं पाइथन में। ठीक है, इफ एल्स एक ऐसी चीज है जो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होती है, बिकॉज इट इज नेसेसरी, इसके बिना कोडिंग करना पॉसिबल नहीं है। इफ एल्स की जरूरत क्या है, मैं आपको एक बार जल्दी से बता दे रहा हूँ। कभी भी आप जब प्रोग्राम लिखते हो तो प्रोग्राम टॉप से बॉटम एग्जीक्यूट होता है, पहली लाइन फिर दूसरी लाइन फिर तीसरी लाइन फिर चौथी लाइन, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपके प्रोग्राम के पास दो ऑप्शंस होते हैं, वो ऑप्शन वन की तरफ भी जा सकता है और ऑप्शन टू की तरफ भी जा सकता है। तो ये जो सिचुएशन होता है इसको बोला जाता है ब्रांचिंग, आपके प्रोग्राम में ब्रांच क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हैंडल करने के लिए इफ एल्स होता है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मान लो आप एक लॉग इन वेबसाइट बना रहे हो, लॉग इन पेज बना रहे हो, तो लॉगिन पेज में जब यूजर अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर करता है तो आपके पास दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। पहला पॉसिबिलिटी ये है कि उसने अपने क्रेडेंशियल्स सही से एंटर किए, इन दैट केस आप क्या करोगे, आप उसको उसका प्रोफाइल पेज दिखा दोगे। और सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि उसने अपने क्रेडेंशियल्स सही से एंटर नहीं किए, उस केस में आप क्या करोगे, उसको एरर पेज दिखा दोगे। तो प्रोग्रामिंग में कई बार ऐसा होगा कि डिपेंडिंग ऑन द यूजर का इनपुट आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस होंगे, तो इसी को बोला जाता है ब्रांचिंग इन द प्रोग्राम। और जब भी ब्रांचिंग होता है उसको हैंडल करने के लिए कौन आता है, इफ एल्स स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इफ एल्स स्टेटमेंट समझाने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम आपको लिख के दिखा रहा हूं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू राइट अ वेरी सिंपल लॉग इन प्रोग्राम। सो हमारे प्रोग्राम में यूजर हमें अपना ईमेल बताएगा और अपना पासवर्ड बताएगा, और डिपेंडिंग ऑन द इनपुट हम उसको या तो बोलेंगे वेलकम या तो हम उसको बोलेंगे इनकरेक्ट ईमेल पासवर्ड। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि हमने तो डेटाबेसेस नहीं पढ़ा,
तो हम लॉग इन एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं? द आंसर इज वेरी सिंपल। हम पहले से मान लेंगे कि एक ही ईमेल और पासवर्ड का कॉम्बिनेशन सही है, बाकी सब कुछ गलत है। जैसे थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि जो ईमेल है वो है nitish.campusx@gmail.com। इसके अलावा अगर यूजर ने कुछ भी और डाला तो वो गलत है, ठीक है। और पासवर्ड भी हम लोग पहले से मान लेते हैं कि पासवर्ड है 1234। इसके अलावा अगर यूजर ने कुछ भी डाला वो गलत है, ठीक है। अब हम लोग ये मान करके अपना प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम का फ्लो बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले यूजर से उसका ईमेल मांगोगे, उसका पासवर्ड मांगोगे, फिर आप कंपेयर करोगे और कंपैरिजन के बेसिस पे दो ऑप्शंस होंगे, आप दोनों के लिए कोड लिखोगे, ठीक है। लेट मी शो यू ये पूरा कोड आप कैसे लिखोगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यूजर से उसका ईमेल मांगना है, तो आप यूज करोगे इनपुट। इनपुट में आप बोलोगे इनसाइड अ स्ट्रिंग एंटर ईमेल। यूजर क्या करेगा, अपना ईमेल डालेगा, आप उसको एक वेरिएबल में डाल दोगे, लेट्स कॉल दैट वेरिएबल ईमेल। सिमिलरली आप इनपुट से एंटर पासवर्ड बोलोगे और जो भी यूजर ने बताया उसको आप एक वेरिएबल में डाल दोगे, लेट्स कॉल इट पासवर्ड। तो इस स्टेप में मेरे पास दोनों चीजें हैं, यूजर ने जो ईमेल बताया और यूजर ने जो पासवर्ड बताया। अब यहां पे प्रोग्राम में दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जो उसने बताया वो सही है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि जो उसने बताया वो गलत है। तो ब्रांचिंग हो गई, और ब्रांचिंग को हैंडल करने के लिए आप इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज करते हो, ठीक है। अब पाइथन में इफ एल्स कैसे लिखा जाता है मैं आपको जल्दी से बताता हूं। सी में कैसे लिखा जाता था, सी में आप लिखते थे इफ ब्रैकेट के अंदर कंडीशन, ठीक है, उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट आता था और फिर आता था एल्स और फिर उसके अंदर का कोड। यहां पर कोड फॉर इफ और यहां पे कोड फॉर एल्स, ये स्ट्रक्चर फॉलो करते थे आप सी, सी प्लस प्लस, जावा में। पाइथन थोड़ा सा अलग है, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। पाइथन में आप लिखते हो इफ, ब्रैकेट नहीं आता, स्पेस आता है, स्पेस के बाद आप लिखते हो कंडीशन, फिर आप कोलोन लगाते हो और आप लिखते हो कोड जो भी आपको इफ के अंदर डालना है, और फिर आप लिखते हो एल्स कोलोन और फिर जो भी कोड आपको एल्स के अंदर डालना है, ठीक है। तो आप एक बार साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हो कि सी, सी प्लस प्लस से पाइथन कैसे अलग है, ठीक है। पाइथन में देर आर नो ब्रैकेट्स एंड देर आर नो कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, एंड फॉर दैट मैटर देर इज नो सेमी कॉलन्स ऑल्सो, ठीक है, पाइथन में सेमी कॉलन्स नहीं होते। अब ध्यान से देखो, हम कोड लिख रहे हैं, इफ आगे आएगी कंडीशन, तो सोच के देखो, हमें ये पता करना है कि यूजर ने सही से लॉग इन किया या नहीं किया। तो हम चेक करेंगे कि उसने ईमेल सही से बताया कि नहीं एंड पासवर्ड सही से बताया कि नहीं, दोनों सही होना चाहिए, ठीक है। तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे लॉजिकल एंड ऑपरेटर, बिकॉज हमें क्या चाहिए, ईमेल भी सही बताओ पासवर्ड भी सही बताओ, आप और यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सोच के देखो अगर आपने और यूज कर दिया तो क्या मस्त वेबसाइट बनेगी। आप सिर्फ अपना ईमेल बता दो और वो आपको लॉगिन दे देगा, पासवर्ड गलत है तो भी लॉगिन मिल जाएगा। ऑब्वियसली आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एंड ऑपरेटर। तो आप क्या करोगे, आपका कंडीशन ये बन जाएगा, आप पूछोगे इफ ईमेल वेरिएबल का वैल्यू इज इक्वल टू नितिश डॉट कैंपस एक्स एट द रेट जीमेल डॉट कॉम। आप क्या पूछ रहे हो, क्या ईमेल वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है क्या वो नितिश डॉट कैंपस एक्स एट द रेट जी मेल डॉट कॉम है, एंड पासवर्ड वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है क्या वो 1234 है। अगर ये दोनों कंडीशन साथ में ट्रू है तो फिर हम क्या करेंगे, हम एंटर मारेंगे। अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट सीखोगे, इस पाइथन में एक कॉन्सेप्ट होता है इंडेंटेशन का। इंडेंटेशन किसको बोलते हैं, कि आपका कोड आप थोड़ा शिफ्ट करके लिखते हो, जैसे इफ के अंदर का कोड आप एक टैब शिफ्ट करके लिखते हो, ठीक है। तो इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट क्यों होता है पाइथन में, मैं आपको जल्दी से बताता हूं। पाइथन इज अ लैंग्वेज जो इस तरीके से डिजाइंड है कि उन्होंने हमेशा ये फोर्स किया है, ये मेक श्योर किया है कि आप जो कोड लिखो वो ब्यूटिफुली रिटन हो, वेल रिटन हो, अच्छा दिखे, रीडेबल हो। पाइथन का कोर फिलॉसफी है कोड रीडेबिलिटी, कोड अच्छा दिखना चाहिए।
तो दे मेड श्योर कि आप हमेशा वेल इंडेंटेड कोड लिखो, जैसे इफ के अंदर क्या है वो थोड़ा आगे हो तो दिखाई देगा, तो समझ में आएगा, ठीक है। तो पाइथन में इसीलिए ब्रैकेट्स नहीं होते, सेमी कॉलन्स नहीं होते, इंडेंटेशन होता है। पाइथन इंडेंटेशन से समझता है कि कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड किस चीज के अंदर है, ठीक है। सो मैं बस इतना बोल रहा हूं कि जब आप यहां पे कोलोन लगा के एंटर मारो, पाइथन ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा आगे कोड लिखने को बोल रहा है। यही है पाइथन का तरीका ये समझने का कि आप जो कोड अभी लिखने वाले हो वो इफ के अंदर है। आप चाहो तो कोड यहां पे भी लिख सकते हो एकदम एंड में, बट पाइथन को समझ में नहीं आएगा और पाइथन एरर थ्रो कर देगा। तो अभी आपको क्या करना है, जो भी लोग नए हो फर्स्ट टाइम पाइथन में कोड कर रहे हो, जैसे ही आप ये ऊपर वाला स्टेटमेंट लिखो, इसको लिखने के बाद जस्ट हिट एंटर और कर्सर जहां पे ब्लिंक कर रहा है ना वहीं पे कोड लिखो, ठीक है। और हमारा कोड क्या होगा, हमारा कोड होगा सिंपली वी विल प्रिंट वेलकम, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं, नीचे का कोड हटा रहा हूं, एंड यू कैन सी हमने अपना इफ का लॉजिक लिख दिया। अगर यूजर ने सही से ईमेल डाला और पासवर्ड डाला तो क्या होगा, ये लॉजिक हमने लिख दिया। अब हम जाएंगे एल्स में। हमेशा याद रखना इफ और एल्स वर्टिकली एक दूसरे के नीचे होंगे, ऊपर नीचे होंगे, ठीक है, ये हमेशा मेक श्योर करना। और एल्स के आगे आपने कोलोन लगाया और फिर से एंटर मारा, तो देखो थोड़ा शिफ्टेड है, इंडेंटेड है। अब आपको क्या करना है, एल्स का कोड लिखना है, और एल्स का कोड क्या होगा, लेट से नॉट करेक्ट, एंड दैट्स द कोड गाइस, दिस इज द एग्जाम्पल। मैं नीचे का ये जो कोड है सी वाला ये हटा रहा हूं, दिस इज द कोड, ये जो हमने अभी लिखा दिस इज द कोड। यहां पे आपने दो कॉन्सेप्ट सीखे, पहला इफ एल्स को कैसे यूज करना है और दूसरा इंडेंटेशन क्या होता है, ठीक है। सो पाइथन में इंडेंटेशन का थोड़ा प्रॉब्लम होता है सभी को, जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो थोड़ा कंफ्यूजन होता था, इंडेंटेशन की वजह से एरर आता था। तो मेरा सजेशन बस इतना है, पाइथन आपको जहां पे कोड लिखने को बोल रहा है वहीं पे लिखो, गलती नहीं होगी, ठीक है। एक बार मैं आपको ये कोड रन करके दिखा रहा हूं, लेट मी शो यू। सो जब आप इस कोड को लिख रहे हो, रन कर रहे हो, तो आपको ईमेल पूछ रहा है, लेट से मैंने ईमेल गलत डाल दिया, फिर मैंने पासवर्ड भी गलत डाल दिया, और अब मैंने एंटर मारा, देखो बोल रहा है नॉट करेक्ट, ठीक है। अगर मैं इस कोड को दोबारा रन करूं, एंड नाउ दिस टाइम इफ आई राइट नितिश डॉट कैंपस एक्स एट द रेट जीमेल डॉट कॉम और पासवर्ड 1234, देखो इस बार वो बोल रहा है वेलकम, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई, ठीक है। प्लीज मेक श्योर अगर आप फर्स्ट टाइम कोड लिख रहे हो तो जैसा मैंने लिखा है ना एग्जैक्टली वैसा लिखना। इंडेंटेशन अगर आपने गलत किया आपको सिंटैक्स एरर आएगा और आपका कोड रन नहीं करेगा। देर इज ओनली वन वे टू राइट करेक्ट कोड इन पाइथन, और वो है विथ इंडेंटेशन, यू कैन नॉट चेंज दैट, ठीक है। प्लीज मेक श्योर आपको ये समझ में आ गया। मैं चैट ओपन कर रहा हूं, यहां पे अगर किसी को प्रॉब्लम है तो लेट मी नो। आई'ल वेट गाइस, किसी को अगर यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है तो लेट मी नो। गाइस एम आई ऑडिबल, एम आई कनेक्टेड, ओके फाइन, आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे तो मुझे लगा कुछ प्रॉब्लम हो गया, सॉरी। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं गाइस, यहां पर इस प्रोग्राम में एक छोटा सा चेंज करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या चेंज करने वाले हैं कि अभी तक दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो यूजर ने सही क्रेडेंशियल्स बताए या फिर उसने गलत क्रेडेंशियल्स बताए, दो पॉसिबिलिटीज हैं। अब मैं एक थर्ड पॉसिबिलिटी ऐड करने वाला हूं, ठीक है, ध्यान से सुनो। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि अगर यूजर ने सब कुछ सही से बताया तो हम उसको फिर वेलकम बोल देंगे, बट अगर यूजर ने ईमेल सही बताया और पासवर्ड गलत बताया तो मैं उसको एक और चांस दूंगा, ध्यान से सुनना। पहला ऑप्शन क्या था, सब कुछ सही तो वेलकम, दूसरा ऑप्शन क्या था, दोनों में से कुछ भी गलत या दोनों गलत तो नॉट करेक्ट। बट अब मैं एक थर्ड कंडीशन ऐड करना चाहता हूं कि अगर ईमेल सही है और पासवर्ड गलत है तो मैं उसको एक और चांस देना चाहता हूं पासवर्ड दोबारा बताने का, ठीक है। ये मैं एक थर्ड कंडीशन इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट सीखो, जो भी लोग पहली बार इफ एल्स पढ़ रहे हो, कि अगर आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं तो आप इफ और एल्स लगाते हो, बट अगर आपके पास दो से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं
तो आप एल इफ लगाते हो। एल इफ क्या होता है, दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसको एल्स इफ बोला जाता है, पाइथन में इसको एल इफ बोला जाता है। सो मान लो आपके पास पांच पॉसिबिलिटीज हैं, तो आप क्या करोगे, पहली पॉसिबिलिटी इफ के थ्रू हैंडल करोगे, लास्ट पॉसिबिलिटी एल्स के थ्रू हैंडल करोगे, और ये जो बीच की तीन पॉसिबिलिटीज हैं ये आप एल इफ के थ्रू हैंडल करोगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, दो पॉसिबिलिटीज को हैंडल करने के लिए इफ एल्स इज सफिशियंट, बट अगर दो से ज्यादा है तो आपको एल इफ यूज करना पड़ता है। तो वही मैं यहां पे करने वाला हूं, ध्यान से देखना। इस कोड में मैं बीच में घुस रहा हूं, इफ के बाद, ठीक इफ के नीचे आई वुड राइट एल इफ, एल इफ, ठीक है। और फिर एल इफ का कंडीशन क्या है, हमने क्या डिस्कस किया, अगर ईमेल सही है बट पासवर्ड गलत है तो हमें कुछ करना है। तो मैं पहले कंडीशन लिख रहा हूं, हमारा कंडीशन ये हो जाएगा गाइस, ध्यान से देखना। मैं ऊपर वाला पूरा कंडीशन कॉपी कर रहा हूं और यहां पे पेस्ट कर रहा हूं। तो कंडीशन क्या था, ईमेल सही होना चाहिए बट पासवर्ड गलत होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी चीज में आई वुड जस्ट चेंज डबल इक्वल टू के बदले नॉट इक्वल टू, एंड दैट इज आर कंडीशन। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि मैंने एंड क्यों लगाया, तो एक बार सोच के देखो, एंड ही लगेगा। हमें क्या चाहिए, ईमेल सही होना चाहिए एंड पासवर्ड गलत होना चाहिए। तो दैट इज वाई दिस इज द कंडीशन ऑफ एलिफ, हम पता कर रहे हैं ईमेल सही है पासवर्ड गलत है। और फिर अगर इस कंडीशन में आप फंस रहे हो तो क्या करना है, सोच के देखो। सबसे पहले आप उसको बताओगे, टेल द यूजर। सो आप क्या करोगे, आप करोगे प्रिंट, और प्रिंट में आप क्या लिखोगे, इनकरेक्ट पासवर्ड। ठीक है, आप सबसे पहले यूजर को बताओगे कि भाई तेरा पासवर्ड गलत है। अब क्या करोगे, अब आप यूजर से नया पासवर्ड मांगोगे। तो आप फिर से यहां पर इनपुट लोगे और इनपुट में बोलोगे एंटर पासवर्ड अगेन, पासवर्ड फिर से डालो। यूजर फिर से पासवर्ड डालेगा और आप उसको फिर से पासवर्ड वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दोगे। पासवर्ड में क्यों स्टोर किया, बिकॉज हमें पता है कि पिछली जो वैल्यू है पासवर्ड में वो एनीवेज गलत है, हमारे काम की नहीं है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे भी हमारे प्रोग्राम में देर आर टू पॉसिबिलिटीज। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जो नया पासवर्ड आया है वो सही है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जो नया पासवर्ड आया है वो फिर से गलत है। ठीक है, तो जब भी एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज आती हैं तो ब्रांचिंग होता है, और ब्रांचिंग के लिए कौन आता है, इफ एल्स आता है। तो यहां पर आपको फिर से इफ एल्स लगाना पड़ेगा। अब अगर आपके मन में ये आ रहा है कि हम तो ऑलरेडी इफ एल्स लगा चुके हैं, हम तो इफ एल्स के अंदर हैं, तो यहां पे हम इफ एल्स कैसे लगा सकते हैं, तो आई वुड से आप इफ एल्स के अंदर इफ एल्स चला सकते हो, और इसको बोला जाता है नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहां पे लिखोगे इफ पासवर्ड का नया वैल्यू इज इक्वल टू 1234, देन आई वुड प्रिंट वेलकम फाइनली, कुछ इस तरीके का हम लोग लिख देंगे, और एल्स आई वुड प्रिंट बेटा तुमसे ना हो पाएगा। एंड दैट्स द कोड गाइस, दिस इज द कोड। ठीक है, पूरा फ्लो समझो, हमने एक थर्ड कंडीशन ऐड किया, ईमेल सही पासवर्ड गलत के लिए, हमने दोबारा पासवर्ड मांगा और फिर चेक किया कि जो नया पासवर्ड है वो सही है या गलत है। एक बार मैं आपको ये फ्लो पूरा चला के दिखाता हूँ। सो यहां पर आई वुड राइट नितिश डॉट कैंपस एक्स एट द रेट gmail.com, मैंने सही से अपना ईमेल डाल दिया, बट मैं पासवर्ड गलत डाल रहा हूं और वो मुझे बोल रहा है इनकरेक्ट पासवर्ड, पासवर्ड फिर से डालो। मैंने फिर से गलत डाला और वो मुझे क्या बोल रहा है, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, सो दिस इज द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम गाइस। यहाँ पे हमने दो तीन कॉन्सेप्ट सीखे, हमने सबसे पहले सीखा इफ एल्स कैसे लिखना है, हमने इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट सीखा, हमने एल्स इफ का कॉन्सेप्ट सीखा, और हमने लास्ट में नेस्टेड इफ एल्स का भी कॉन्सेप्ट सीखा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम अगर आप लिख लेते हो तो आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओगे इफ एल्स कैसे लिखा जाता है वो पाइथन में करने के लिए। ठीक है, तो मैं चैट ओपन कर रहा हूं, इससे रिलेटेड किसी को डाउट है तो लेट मी नो।
आई गेस समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो एक बार मैसेज लिख देना, हमारी टीम आपको आंसर कर देगी। अभिषेक इज सेइंग कैन यू एक्सप्लेन नेस्टेड इफ एल्स वंस। सो बेसिकली कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आपको इफ एल्स के अंदर फिर से इफ एल्स लिखना पड़ता है। जैसे यहां पर आप देखो, आप ऑलरेडी एक इफ एल्स के अंदर थे, बट फिर उस इफ एल्स के अंदर भी क्या हुआ, एक ऐसा कंडीशन बन गया जहां पे आपको फिर से इफ एल्स लगाना पड़ा। यहां पर आपको दोबारा से चेक करना पड़ा कि पासवर्ड सही है या गलत है। तो दैट इज वाई आपको दो इफ एल्स लगाने पड़े एक दूसरे के अंदर, दैट इज वाई उसको नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। लास्ट वाले का क्या हुआ, नॉट करेक्ट, दोनों चीजें गलत डाल दो। ये देखो ना, दोनों चीजें गलत डाल दो, ये गलत है ये भी गलत है, तो नॉट करेक्ट में जा रहा है। जब दोनों ही चीजें गलत डालोगे तो वहां चला जाएगा, या फिर आप ईमेल गलत डालो पासवर्ड सही डालो तो भी वहीं पे जाएगा। एक बार चला के देख लो ना, एक बार खुद से लॉजिकली कॉपी पेन लेके समझोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो गाइस आगे बढ़ रहे हैं बिकॉज टाइम थोड़ा कम है। आगे बढ़ के मैं आपको एक दो क्वेश्चंस और करा रहा हूँ, इफ एल्स में थोड़ा आप कंफर्टेबल हो जाओ। इसलिए जैसे एक क्वेश्चन थोड़ा पूछा जाता है, स्पेशली बिगिनर्स को ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि आपको यूजर तीन नंबर्स देगा और आपको उन तीन नंबर्स में से जो मिनिमम नंबर है वो प्रिंट करना है, या फिर इसका उल्टा हो सकता है कि जो मैक्सिमम नंबर है वो आपको प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये कोड एक बार लिख रहा हूं मैं। सो व्हाट आई विल डू इज, कोड में जा रहा हूं मैं और यहां पे मैं लिख रहा हूं मिन ऑफ थ्री नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यूजर से तीन नंबर्स ले रहे हैं, इंटीजर ऑफ इनपुट ऑफ फर्स्ट नम, ये कोड मैं कॉपी कर रहा हूं, पेस्ट पेस्ट, यहां पे मैं लिख रहा हूं बी, यहां पे मैं लिख रहा हूं सी, यहां पे मैं लिख रहा हूं थर्ड नम, यहां पे मैं लिख रहा हूं सेकेंड नम। ठीक है, सो मेरे पास तीन नंबर्स हैं ए बी और सी, और मुझे पता करना है कि इन तीनों में से कौन सा सबसे छोटा है। ठीक है, तो इसको करने के अलग अलग तरीके हैं, बट आई गेस सभी में आपको इफ एल्स यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका यूज करके दिखाता हूं, ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। आप क्या करोगे, आप सबसे पहले ए को बी और सी दोनों से कंपेयर करोगे। ठीक है, सो आप ये लिखोगे, इफ ए इज लेस देन बी, ठीक है, एंड ए इज लेस देन सी। सोच के देखो गाइस, अगर ए बी से भी छोटा है एंड ए सी से भी छोटा है तो आप क्या प्रिंट कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि ए तीनों में सबसे छोटा है और आप सिंपली सिंपली क्या बोल सकते हो, स्मॉलेस्ट इज ए, पहला नंबर, या फिर आप ऐसे प्रिंट कर सकते हो स्मॉलेस्ट इज ए, राइट, सिंपल है। अब मैं आ रहा हूं एलिफ में, सोच के देखो, अगर इफ में नहीं घुसा, अगर आपका प्रोग्राम इफ में नहीं घुसा, इसका क्या मतलब है, इसका एक ही मतलब है कि ए सबसे छोटा नहीं है, सिंपल सी बात है। तो अगर ए सबसे छोटा नहीं है तो फिर अब बचा कौन, बी और सी। तो मैं ये चेक कर रहा हूं, एलिफ इफ बी इज लेस देन सी, दो ही बचे थे बी और सी, अब उसमें बी अगर सी से छोटा है तो आप क्या प्रिंट कर सकते हो, आप बोल सकते हो स्मॉलेस्ट इज बी। अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है और आप क्या प्रिंट कर दोगे, स्मॉलेस्ट इज सी, एंड दैट्स योर कोड गाइस, दिस इज योर कोड। एक बार मैं आपको चला के दिखा रहा हूं, मैं तीन नंबर्स डाल रहा हूं, थ्री फोर एंड फाइव, एंड द स्मॉलेस्ट इज थ्री। एक और चला के देख लेते हैं, फोर वन टेन, स्मॉलेस्ट इज वन। ठीक है, दिस इज द कोड, सिंपल सा कोड है, बट यहां पर आप देख सकते हो कि आप कैसे इफ एल्स यूज करके लॉजिक को मैनिपुलेट कर रहे हो। ठीक है, तो एक बार ये कोड चला के देखो, और अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क।
बाकी तो इसको करने के और भी तरीके हैं, तो आई वुड रिकमेंड आप कोशिश करना। वीडियो लैग हो रहा है क्या गाइस? इज देयर अ प्रॉब्लम विद द इंटरनेट कनेक्शन? ओके, वैभव इज आस्किंग क्या होगा अगर सारे नंबर सेम होंगे। चला के देख लो यार, मतलब ये कोड आपके सामने है, बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा ये क्या होगा। आपने तो लॉजिक लिखा है। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्लास के बाद इस सेम प्रोग्राम को एक दूसरे तरीके से रन करो। ये तो मेरा लॉजिक मैंने बनाया, मतलब मेरा नहीं है, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बट आप इसको एक दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? और जैसा वैभव ने बोला, ये डिटेक्ट करने की कोशिश करो कि अगर तीनों सेम है तो आप बता दो कि तीनों सेम है, या फिर आप कोई भी उन तीनों में से एक प्रिंट कर दो। वैसे हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, ठीक है? श्वेता इज आस्किंग इफ वी हैव फोर नंबर्स, तो आपको थोड़ा सा और एक्सटेंड करना पड़ेगा इफ एल्स का लॉजिक, मतलब एक और एलिफ लगाना पड़े शायद, ठीक है? करके देखो। मतलब बेसिकली मैं आपको इस पॉइंट पे बस दिखाना चाह रहा हूं कि इफ एल्स को यूज करके लॉजिक बिल्डिंग कैसे किया जाता है या मैनिपुलेशन कैसे किया जाता है, ठीक है? वो बस आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। चलो, सिंस टाइम कम है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे भी मैं आपको इफ एल्स का ही एक इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊंगा। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि हम लोग एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाने वाले हैं। सो होता क्या है कि इफ एल्स को यूज करके आप मेन्यूज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि कैलकुलेटर आप बनाना चाहते हो, तो कैलकुलेटर में मान लो आपके पास जीयूआई नहीं है और आप कमांड लाइन के थ्रू ही यूजर से इनपुट लेना चाहते हो टेक्स्ट में टाइप कर करके, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट में होता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक मेन्यू बना सकते हो, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। सो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना रहे हैं, मेन्यू ड्रिवन कैलकुलेटर, ठीक है? चार ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा ये कैलकुलेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिविजन, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले यूजर से दो नंबर्स मांगेंगे। लेट मी शो इट टू यू। सो हम लेंगे एफ नम इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ, इंटीजर भी ले सकते हो, फ्लोट भी ले सकते हो, फिलहाल मैं इंटीजर पे काम कर रहा हूँ बिकॉज ये मैं आपको मेन्यू बनाना दिखाना चाहता हूँ, कैलकुलेटर बनाना इज नॉट माई कंसर्न। हम बोल रहे हैं एंटर द फर्स्ट नंबर, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, और सेकेंड नंबर में हम लिख रहे हैं एंटर द सेकेंड नंबर। हमारे पास दो नंबर्स आ गए। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यूजर से ये पूछना चाह रहे हैं कि आप इन दोनों नंबर्स के ऊपर कौन सा ऑपरेशन लगाना चाहते हो, प्लस करना चाहते हो, माइनस करना चाहते हो, मल्टीप्लीकेशन या डिविजन। तो हम पूछेंगे, लेट्स से हम एक वेरिएबल बना रहे हैं ओपी, ओपी फॉर ऑपरेशन, और हम यहां पे लिख रहे हैं इनपुट एंटर द ऑपरेशन, ठीक है? तो यूजर या तो प्लस प्रेस करेगा या माइनस प्रेस करेगा या मल्टीप्लीकेशन प्रेस करेगा, एस्ट्रिक्स या फिर स्लैश प्रेस करेगा फॉर डिविजन। जो भी वो प्रेस करेगा वो स्ट्रिंग होगा और हम उसको ओपी में स्टोर कर देंगे, ठीक है? तो अब यहां पर इस पॉइंट पे ओपी के अंदर चार चीजें हो सकती हैं, या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है या डिविजन हो सकता है या मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। तो यहां पर आप ब्रांचिंग करोगे, ब्रांचिंग के लिए आप इफ एल्स लिखोगे, आप लिखोगे इफ ओपी इज इक्वल टू प्लस, देन आप लिख दोगे प्रिंट एफ नम प्लस एस नम, या एलिफ ओपी इज इक्वल टू माइनस प्रिंट एफ नम माइनस एस नम, एलिफ ओपी इज इक्वल टू एस्ट्रिक प्रिंट एफ नम मल्टीप्लाइड बाय एस नम, और लास्ट में एल्स में आप डाल दो डिविजन। सो आप लिखोगे एफ नम डिवाइडेड बाय एस नम, और आप इस कोड को अब रन करके देख लो। मान लो हमारे दो नंबर्स हैं 34 और 23, और मैं इनके बीच में करना चाहता हूँ डिविजन, एंटर मारा, ये रहा हमारा आउटपुट, ठीक है? आई नो ये कोई खास प्रोग्राम नहीं है, बट आपको बस एक छोटी सी चीज दिखानी थी कि आप कैसे एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना सकते हो। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ कि लाइन से आप यूजर से क्वेश्चंस पूछ रहे हो, और फिर यूजर ने जो इनपुट्स दिए हैं
उसके बेसिस पे आप मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन में पूरा का पूरा प्रोग्राम लिख रहे हो। ठीक है, आप चाहो तो इस तरीके से एक एटीएम का सॉफ्टवेयर बना सकते हो। सबसे पहले आप उससे पूछोगे एंटर योर पिन, ठीक है, नहीं सबसे पहले आप उसको बोलोगे हाय हाउ कैन आई हेल्प यू, और आप उसको चार ऑप्शंस दे दो। ठीक है, आप उससे पूछ सकते हो कि ऑप्शन वन में यू कैन डू एडिशन, ऑप्शन टू में यू कैन डू मल्टीप्लीकेशन और डिविजन, आई एम सॉरी मल्टीप्लीकेशन और एडिशन क्यों करोगे बैंकिंग सॉफ्टवेयर में। आप ऑप्शंस दे सकते हो पिन चेंज करने का, या फिर आप ऑप्शन दे सकते हो बैलेंस रीड करने का, या फिर आप ऑप्शन दे सकते हो विड्रॉ करने का। ठीक है, तो यू कैन इजिली क्रिएट अ सॉफ्टवेयर लाइक दैट। इनफैक्ट मैं आपको झट से क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि एक मेन्यू ड्रिवन एटीएम कैसा दिखाई देगा। सो आप क्या करोगे, आप मेन्यू में इनपुट में यूजर से पूछ लोगे, मैं ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा यूज कर रहा हूँ, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा मैंने आपको बताया था आप तब यूज करते हो जब आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज कर रहे हो। सो आप यहाँ पे पूछोगे हाय हाय हाउ कैन आई हेल्प यू, आपने ये पूछा। ठीक है, और इसके बाद आपने उसको बोल दिया एंटर वन फॉर पिन चेंज, एंटर टू फॉर बैलेंस चेक, थ्री एंटर थ्री फॉर लेट्स से विड्रॉल। ये तीन ऑप्शंस आपने दे दिए, और ऑप्शन फोर आपने दे दिया एंटर फोर फॉर एग्जिट। ठीक है, अब यूजर क्या करेगा कि वन टू थ्री या फोर में से कोई एक की प्रेस करेगा, और उसको आप कहां पे स्टोर कर लोगे मेन्यू में। ठीक है, और नीचे जाकर के आप एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम लिख दोगे कि इफ मेन्यू इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ वन, तो आप प्रिंट कर दोगे कि पिन चेंज करना चाहता है यूजर, या फिर आप एक पूरा का पूरा लॉजिक लिख दोगे कि पिन चेंज कैसे होता है। सिमिलरली यहां पर आप लिख दोगे एलिफ मेन्यू इज इक्वल टू टू, तो आप प्रिंट कर दोगे दैट बैलेंस दिखाना है, और सिमिलरली लास्ट में आप ऐसे प्रिंट कर दोगे एग्जिट। ठीक है, तो ये प्रोग्राम इज एक्चुअली अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। लेट मी शो इट टू यू, अगर मैं इसको रन करूं तो मुझे कैसे दिखा रहा है, हाय हाउ कैन आई हेल्प यू, एंटर वन फॉर पिन चेंज, एंटर टू फॉर बैलेंस। तो लेट्स से मैंने टू डाला, एंटर मारा, देखो क्या बोल रहा है, बैलेंस आप प्रिंट करना चाहते हो। ठीक है, तो ये एक्चुअली कोई प्रोग्राम नहीं है, ये बस मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स को यूज करके यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ लॉजिकल मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम जो यूजर को गाइड करता रहेगा कि उसको क्या करना है। ठीक है, तो ये आप आगे करोगे, स्पेशली जब हम ओओपी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वहां पे मैं आपको एक पूरा बैंकिंग सॉफ्टवेयर बना के दिखाऊंगा, तो वहां पर यू वुड सी कि हम ये वाली चीज यूज कर रहे हैं। ये इज दिस इज नॉट अ कंप्लीट प्रोग्राम, दिस इज जस्ट टू गिव यू सम आइडिया कि आप मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स कैसे बनाते हो। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क। इतना अगर हो गया तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और हम लोग फिर लूप्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, आई गेस देर इज सम लैग गाइस, लैग आ रहा है ना, लेट मी चेक। ओ हाँ, देर इज अ स्लाइट लैग, आई एम रियली सॉरी, मे बी मेरे वाईफाई में प्रॉब्लम है, बट आई होप इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि क्लास नहीं कर पाओ। चलो ठीक है, विशांत सिंह मेन्यू थ्री ऑप्शन में नहीं था, हाँ जानबूझ के नहीं डाला विशांत, आप डाल सकते हो, जस्ट ऐसे ही एक और एक्स्ट्रा लाइन लिखना पड़ता है इसलिए नहीं किया। ठीक है, चलो गाइस फिर आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और पढ़ने जा रहे हैं। द कॉन्सेप्ट इज मॉड्यूल्स इन पाइथन। ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट आपको आना चाहिए, फ्यूचर में आप इसको बहुत यूज करोगे, स्पेशली जब आप डेटा साइंस में कोड लिखोगे आप मॉड्यूल्स पूरे टाइम यूज करोगे। ठीक है, तो मॉड्यूल्स क्या होता है, जिन लोगों ने पहले प्रोग्रामिंग की है उनके लिए सिंपल एक्सप्लेनेशन मैं बता देता हूँ। अगर आपने सी सी प्लस प्लस जावा में प्रोग्रामिंग की है तो वहां पे लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट था। जैसे आप सी में पहला प्रोग्राम लिखते हो तो आपका पहला लाइन क्या होता है, इम्पोर्ट एस टी डी आईओ डॉट एच। वो एस टी डी आईओ डॉट एच क्या होता है, इट इज अ हेडर फाइल या लाइब्रेरी बोल सकते हो आप उसको। तो
तो जो चीज वहां पे लाइब्रेरी या हेडर फाइल होती है पाइथन में, उसी को मॉड्यूल बोला जाता है। ठीक है, अब जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग नहीं की उनके लिए एक्सप्लेनेशन ये है कि मॉड्यूल इज बेसिकली अ फाइल, एक पाइथन फाइल है जिसके अंदर कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूं कि मैं उस फाइल को इंपोर्ट करके अपने कोड में ला सकता हूं। उससे फायदा क्या होगा कि मैं दूसरे के लिखे हुए फंक्शंस को यूज कर सकता हूं। और प्रिंसिपल क्या है, कोड रीयूजेबिलिटी। द आइडिया इज दिस कि मुझे खुद से पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, किसी ने पहले से कुछ कोड लिख रखा है मैं उसको डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, मुझे स्क्रैच से कोड लिखने की जरूरत नहीं है। अब इमेजिन करो आप एक मैथमेटिक्स का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रैच से आपको साइन का लॉजिक लिखना पड़ेगा, टैन का लॉजिक लिखना पड़ेगा, जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं सबका लॉजिक आपको स्क्रैच से लिखना पड़ेगा, मेहनत लगेगी। एक बेटर ऑल्टरनेटिव क्या है कि आप किसी दूसरे के लिखे हुए कोड को अपने कोड में इंप्लीमेंट कर लो और उसकी लिखी हुई चीजों को आप रीयूज कर लो, काम आसान हो गया। तो मॉड्यूल्स यही काम करके आपको देते हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर जब आप मशीन लर्निंग पढ़ रहे होगे तो आप बहुत सारे मॉड्यूल्स यूज करोगे, साइकिट लर्न, केरास, टेंसर फ्लो, ये सारे जो फेमस मॉड्यूल्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, इनको आप यूज करोगे। और वही हम लोग अभी सीखने वाले हैं कि पाइथन में आप कैसे मॉड्यूल्स को इम्पोर्ट करते हो और कैसे उनको यूज करते हो। ठीक है, तो अभी मैं आपको चार एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा, चार मॉड्यूल्स हैं, एक है मैथ, एक है कीवर्ड्स, एक है कॉन्स्टेंट, एक्चुअली कॉन्स्टेंट इज नॉट अ मॉड्यूल, इसको हटा देते हैं, रैंडम, एंड द फोर्थ वन इज डेट टाइम। ये चार मॉड्यूल्स मैं आपको चला के दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले लेट मी शो यू मैथ मॉड्यूल, नाम से काम समझ में आ रहा है। इसके अंदर आपको वो सारे फंक्शंस पहले से मिल जाएंगे जो किसी भी मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए चाहिए। ठीक है, आपका काम आसान करने के लिए। अब क्या होता है कि किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का सिंटेक्स होता है इंपोर्ट, विच इज अ कीवर्ड, मॉड्यूल का नाम। सो हमारे केस में मॉड्यूल का नाम है मैथ, तो आपका जो कोड हो जाएगा उसमें आप लिखोगे इंपोर्ट मैथ, और इस कोड को आप जैसे ही रन करोगे कोई आउटपुट नहीं आएगा, उसका मतलब ये हुआ कि इंपोर्ट हो गया। अगर आपने यहाँ पे कुछ गलत लिखा होता, जैसे ये कोई मॉड्यूल नहीं है पाइथन में, और आप इसको रन करते तो वो एरर थ्रो करता और वो बोलता मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, ये मॉड्यूल नहीं है। ठीक है, तो अगर एरर नहीं आ रहा है मतलब सही है। अब देखो ये जो मैथ मॉड्यूल है, आप चाहो तो मैथ लिख के डॉट मार के थोड़ा वेट करो और आपको वो सारे फंक्शंस दिखने लग जाएंगे जो इस मॉड्यूल के अंदर है। एंड यू कैन सी बहुत सारे फंक्शंस है, फैक्टोरियल, फ्लोर, जीसीडी, और बहुत सारे क्वेश्चन फंक्शंस है, एलसीएम निकालने का, लॉग का, जितने भी मैथमेटिकल चीजें आपने पढ़ी होंगी स्कूल में उन सब के फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो कल को अगर मैं एक मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो मैं खुद से कोड नहीं लिखूंगा, मैं इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लूंगा। ठीक है, तो मैं आपको एक फैक्टोरियल वाला फंक्शन चला के दिखाता हूँ। सो फैक्टोरियल में लेट्स से हमने 5 डाला, तो हम एक्चुअली पूछ रहे हैं 5 फैक्टोरियल कितना होता है। इसको आप जैसे ही रन करोगे यू वुड सी द आंसर इज 120। झट से हमारा काम हो गया, हमें खुद से कोड नहीं लिखना पड़ा। ठीक है, सिमिलरली देर आर अदर फंक्शंस एज वेल, जैसे कि एक फंक्शन है फ्लोर, मान लो हमने डाला 6.8, तो इसका फ्लोर कितना होगा ये हमने अभी पढ़ा नहीं है, मैं आपको आगे ये सब पढ़ाने वाला हूँ। फ्लोर बेसिकली क्या करता है, पीछे वाले इंटीजर पे ले जाता है, तो 6.9 का भी फ्लोर क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस आर देयर, जैसे कि एक है शायद स्क्वायर रूट, जहां पे अगर मैं डालू 196 तो 14 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे आपके पास फंक्शंस अवेलेबल हैं मैथ मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, आप चाहो तो एक बार बैठो और लाइन से फंक्शंस टेस्ट कर सकते हो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट मॉड्यूल। अगला मॉड्यूल है कीवर्ड मॉड्यूल। सो कल मैंने आपको बोला था कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स बाय द कंपाइलर स्लैश इंटरप्रेटर। अगर आपको देखना है कि पाइथन में कौन कौन से रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं तो आप इस मॉड्यूल को यूज कर सकते हो। लेट मी शो यू कैसे। आप लिखोगे इंपोर्ट कीवर्ड और फिर आपको सिंपली लिखना है मॉड्यूल का नाम, कीवर्ड डॉट, आपको सजेशन आने लग जाएगा, आपको के डब्ल्यू लिस्ट को कॉल करना है, के डब्ल्यू मतलब कीवर्ड लिस्ट, और इसको आप जैसे ही रन करोगे यू वुड सी कि दीज आर ऑल द कीवर्ड्स दैट आर प्रेजेंट इन पाइथन। ठीक है, 32 या 33 है,
ये रहे सारे के सारे, ठीक है। अगला जो मॉड्यूल है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है रैंडम मॉड्यूल, ठीक है। तो रैंडम मॉड्यूल रैंडम नंबर्स जनरेट करने के काम आता है। मैं आपको जल्दी से करके दिखा देता हूँ। सो इम्पोर्ट रैंडम, थोड़ी देर के लिए मान लो कि हमें 0 से या 1 से 100 के बीच में रैंडम नंबर्स जनरेट करने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, रैंडम मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन होता है जिसका नाम है रैंड इंट। रैंड इंट को आप एक रेंज देते हो और वो रेंज होता है लेट्स से 1 से 100। तो अब आप जितनी बार इस कोड को रन करोगे उतनी बार एक रैंडम नंबर जनरेट होगा 1 से 100 के बीच में। देखो 66, 99, 17, एवरी टाइम यू विल गेट अ डिफरेंट नंबर। तो रैंडम मॉड्यूल भी कभी कभी काम आ जाता है। इसके अंदर और भी कुछ फंक्शंस हैं, हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कोर्स में इसको यूज करेंगे, ठीक है। द लास्ट वन दैट आई वुड लाइक टू शो यू इज डेट टाइम। नाम से समझ में आ रहा है, डेट और टाइम से रिलेटेड फंक्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके ऊपर भी हम लोग काफी काम करने वाले हैं, स्पेशली जब हम पैंडास की पढ़ाई करेंगे। बट फिलहाल मैं आपको आज का डेट और टाइम प्रिंट करके दिखाता हूँ कैसे। बहुत सिंपल है, फिर से आप लिखोगे इम्पोर्ट मॉड्यूल का नाम डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ, और जैसे ही आप इसको रन करोगे ये देखो यहाँ पर इंडिया में जो डेट है और जो अभी का टाइम है वो, हाँ इंडिया का नहीं आ रहा, ये एक्चुअली कहीं और का आ रहा है। ये बेसिकली गूगल कोलैब की वजह से हो रहा है। गूगल कोलैब पे हम काम कर रहे हैं, तो गूगल कोलैब का जो सर्वर है उसका टाइम यहाँ पे दिखा रहा है, इंडिया का टाइम नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर अभी 4 बज रहा है। मोस्ट लाइकली ये कहीं यूरोप का टाइम है। सो इट्स ओके, कोई बात नहीं, बट यू गेट द आइडिया, ठीक है। तो अभी मुझे बस आपको दिखाना था कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं और आप उनको कैसे इंपोर्ट करते हो, ठीक है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो एक लास्ट चीज और सुन लो। अगर आपके मन में ये क्यूरियोसिटी है कि कौन कौन से मॉड्यूल्स अवेलेबल है पाइथन में, तो ये आप एक लाइन ऑफ कोड से पता कर सकते हो। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको बस एक लाइन ऑफ कोड लिखना है। हेल्प एक फंक्शन होता है, बिल्ट इन फंक्शन, उसमें आपको बस मॉड्यूल लिख के भेजना है और क्या होगा, ये फंक्शन ऑटोमेटिकली मॉड्यूल होता है या मॉड्यूल्स होता है, लेट मी चेक, हाँ मॉड्यूल्स होता है, ठीक है। ये देखो जैसे ही आप हेल्प के अंदर मॉड्यूल्स टेक्स्ट भेजोगे वो ऑटोमेटिकली आपके पाइथन इंस्टॉलेशन में जितने भी मॉड्यूल्स हैं उन सब का नाम प्रिंट करके दे देगा। तो सिंस हम लोग गूगल कोलैब में काम कर रहे हैं, यहाँ पर और ज्यादा मॉड्यूल्स हैं, दैट इज वाई आपको यहाँ पे देखो क्या क्या दिख रहा है। साइथॉन, कैगल मॉड्यूल है, देर इज ऑल्सो केराज मॉड्यूल, नीचे अगर आप जाओ तो टेंसर फ्लो वगैरह भी आपको दिखाई दे जाएगा। आई गेस दिखाई देना चाहिए। हाँ जो भी है, मतलब फिलहाल बहुत सारे हैं तो खोजने में परेशानी हो रही है, बट आप जाकर के एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो कि आपके पास कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, और फिर आप सेम तरीके से इनमें से किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करके अपना काम करवा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया मॉड्यूल्स वाला काम, ठीक है। तो इससे रिलेटेड किसी को डाउट है तो गाइज यू कैन आस्क। सुमित इज आस्किंग कलेक्शंस मॉड्यूल पढ़ाओगे सर? हाँ किसी दिन पढ़ा देंगे यार, फ्राइडे वाला जो वर्कशॉप है उसमें कलेक्शंस मॉड्यूल पढ़ा देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो गाइज एक काम कर रहे हैं, आप हम लोग जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं और आज का जो मेन टॉपिक है उस पर मूव कर रहे हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं हमारी टीम मेंबर्स जल्दी से आपको आंसर कर देंगे, और अगर आंसर नहीं हुआ तो फिर आपको पता है आपको क्या करना है, गूगल फॉर्म में भेज देना, हम लोग आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं और लेट्स डिस्कस लूप्स इन पाइथन, ठीक है। तो लूप्स क्या होते हैं, शायद आपको ऑलरेडी पता होगा, स्पेशली अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ऑलरेडी काम कर चुके हो। सो लूप इज दिस एंटिटी जिसको यूज करके आप सेम चीजों को बार बार रिपीट कर सकते हो, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में तो यही है इसका मतलब, कि आप एक पीस ऑफ कोड को बार बार रिपीट कर सकते हो यूजिंग अ लूप। लूप का मतलब यही होता है, लूप में एग्जीक्यूट होना, ठीक है। अब लूप्स पाइथन में दो तरीके के होते हैं, एक होता है वाइल लूप और एक होता है फॉर लूप, ठीक है। हम लोग दोनों पढ़ने वाले हैं, बट उसके पहले एक बार मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लूप की जरूरत क्या है,
ठीक है, तो लोगों को लूप्स के बारे में पता होता है, बट समहाउ ये नहीं पता होता है कि लूप का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ठीक है, स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं। तो मैं आपको मतलब बता सकता हूँ, मेरा एक फ्रेंड था कॉलेज में, और वो फोर्थ ईयर में जब प्लेसमेंट में बैठा तो उससे पूछा गया, भाई लूप कहाँ पे यूज होता है, कोई एग्जाम्पल बताओ। और उसने एग्जाम्पल दिया टेबल प्रिंट कराने में। मतलब इमेजिन अ फोर्थ ईयर स्टूडेंट गिविंग दिस एग्जाम्पल कि टेबल प्रिंट करने के लिए लूप का काम होता है। तो इतना खराब आंसर सुन के उसको निकाल दिया गया, और ऑब्वियसली उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको एग्जाम्पल बेस्ड आंसर देने हैं। तो मैं आप मतलब अगर मैं होता तो मैं क्या आंसर देता वो मैं आपको बताता हूँ। लूप का यूज होता है अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर में। ये मैंने पहले भी शायद कभी ना कभी बताया अपने चैनल पे, बट आई वुड गिव यू दिस एग्जाम्पल। जैसे मान लो आप फ्लिपकार्ट में हो, ऐसे आप फ्लिपकार्ट ओपन करो, मैं आपको बस एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ लूप का, और हम चले गए फोन्स में, और फोन्स में भी इनफैक्ट लेट्स डू वन थिंग, सैमसंग मोबाइल्स में चले जाते हैं। अब यहां पर देखो गाइस, जैसे मैंने ये पेज ओपन किया तो यहां पर यू वुड सी कि देर आर 478 स्मार्टफोन्स। अगर आप स्क्रोल करो, देर आर 478 स्मार्टफोन्स। अब किसी ने ये वेब पेज बनाया होगा, किसी वेब डेवलपर ने बनाया होगा। तो अब सोच के देखो, यहां पर हर स्मार्टफोन एक तरीके से रिप्रेजेंटेड है। लेफ्ट में इमेज है, बीच में डिस्क्रिप्शन है, राइट में प्राइस है, और ये काइंड ऑफ रिपीट हो रहा है ये स्ट्रक्चर 478 टाइम्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी दो कंटेनर्स के बीच में व्हाट इज द सिमिलैरिटी, तो या पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस, तो आप क्या बोलोगे? द डिफरेंस इज वेरी सिंपल कि दो फोन्स का इमेज अलग है, डिस्क्रिप्शन अलग है, प्राइस अलग है, राइट? बट व्हाट इज द सिमिलैरिटी? सिमिलैरिटी है जिस तरीके से इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले किया गया है, हमेशा लेफ्ट में इमेज, सेंटर में डिस्क्रिप्शन, राइट में इमेज। तो अगर आप इस पेज के वेब डेवलपर होते तो आप क्या 478 कंटेनर्स बनाते या फिर आप सिर्फ एक कंटेनर बनाते? आई गेस आप समझ पा रहे हो, आप सिर्फ एक कंटेनर बनाते जहां पर आप एक इमेज, बीच में डिस्क्रिप्शन और राइट साइड में प्राइस की वैल्यूज डाल देते या वेरिएबल्स डाल देते, और आप क्या करते, डेटाबेस से डेटा को फेच करते और इस कंटेनर को लूप के अंदर डालते। लूप कितनी बार घूमता? जितने भी प्रोडक्ट्स आपके डेटाबेस में हैं, और एक एक करके सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपके वेब पेज में प्रिंट हो जाते। तो दिस इज एक्चुअली एन एग्जाम्पल जहां पर किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर ने लूप्स को यूज किया है इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया तो शायद आपको जोमेटो के रेस्टोरेंट्स भी समझ में आ गए होंगे, शायद आपको ओएलएक्स की लिस्टिंग समझ में आ गई होगी, शायद आपको किसी भी होटल वेबसाइट की होटल समझ में आ गए होंगे। सो ईच ऑफ दीज एप्लीकेशंस दे एक्चुअली यूज लूप्स टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन द विच इज एक्चुअली स्टोर्ड इन अ डेटाबेस, ठीक है? तो ये एक एक्चुअली अच्छा एग्जांपल है ये समझाने के लिए कि लूप कहाँ पे यूज होता है, ठीक है? तो कहने की जरूरत नहीं है, बहुत ही यूजफुल चीज है और आपको अच्छे से आना चाहिए। लूप्स के ऊपर अगर आपका कंट्रोल हो गया तो यू वुड एक्चुअली बिकम अ गुड प्रोग्रामर, बिकॉज लूप्स बहुत जगहों पे यूज करोगे आप, बहुत तरह के प्रोग्राम्स में आप यूज करोगे, ठीक है? तो चलो, कमिंग बैक थ्योरी से प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं। दो तरह के लूप्स होते हैं पाइथन में, पहला होता है वाइल लूप और दूसरा होता है फॉर लूप। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले वाइल लूप को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर हम लोग फॉर लूप को पढ़ेंगे, ठीक है? तो वाइल लूप पढ़ने के लिए लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स के थ्रू ज्यादा अच्छा समझ में आता है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, वही मेरे दोस्त वाला एग्जाम्पल यूज करने वाले। हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रहे हैं जहां पर हम यूजर से एक नंबर मांगेंगे और हम उस नंबर का टेबल प्रिंट कराएंगे, ठीक है, यूजिंग वाइल लूप। सो ध्यान से देखो, मैं एक नया कोड सेल ऐड कर रहा हूं, और यहां पे लेट्स राइट अ कोड टू प्रिंट अ टेबल। सिंपल प्रोग्राम रहेगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, यूजर से एक नंबर मांगोगे, एंटर द नंबर, इसको आप इंटीजर में कन्वर्ट कर दोगे बिकॉज आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं, और जो भी है उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दोगे, लेट्स कॉल इट नंबर। तो यूजर को जिस भी नंबर का टेबल प्रिंट कराना था वो नंबर अब मेरे पास आ चुका है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे टेबल को प्रिंट करना है, तो
टेबल जनरली 10 टाइम्स प्रिंट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे व्हाइल आपका लूप का नाम, और उसके आगे आप लिखोगे कंडीशन कि लूप कब तक चलेगा, ठीक है, ये काम आप कितनी बार करना चाहते हो। तो कंडीशन बहुत सिंपल है, हम क्या कर रहे हैं यहां पर एक वेरिएबल ले रहे हैं आई, आई स्टैंड फॉर आइटरेशन, आइटरेशन मतलब कितनी बार लूप घूमेगा, और इसका वैल्यू हम लोग ले ले रहे हैं 1, ठीक है, 0 भी ले सकते थे बट हमने 1 लिया, ज्यादा इजी रहेगा, मल्टीप्लीकेशन करना है। और हमारा लूप कब तक घूमेगा, जब तक आई का वैल्यू इज लेस देन 11, ठीक है। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हर बार लूप के अंदर जाके सिंपली क्या प्रिंट कर रहे हैं, नंबर टाइम्स आई। और एक चीज क्या कर रहे हैं, आई को हम लोग 1 से बढ़ाते जा रहे हैं, एंड दैट्स द कोड गाइस, दैट्स द कोड, लेट मी शो इट टू यू। अगर मैं इसको रन करूं और मैं यहां पे लिखूं 11 और एंटर मारूं, ये देखो 11 22 33 44 55 सो ऑन, आपको आपका टेबल मिल गया। अब अगर आप लोग एकदम ही बिगनर हो और आपको समझ में नहीं आया कि ये कोड कैसे काम कर रहा है, तो मैं आपको एक बहुत मस्त टूल दिखाता हूँ जो मुझे बहुत हेल्प करता है किसी भी कोड को समझने में। सो इस कोड को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, इस कोड को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, और गूगल पे आई एम टाइपिंग पाइथन ट्यूटर, ये एक वेबसाइट है जहां पर आप जा करके लाइन बाय लाइन पाइथन के कोड को एग्जीक्यूट करके समझ सकते हो, ब्रेक डाउन कर सकते हो। तो अभी ये 3 4 लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है, फिलहाल हमें पाइथन से काम है, लेट्स गो टू पाइथन। यहां पे हमने अपने कोड को पेस्ट किया और विजुलाइज बटन पे क्लिक किया। अब ये क्या करेगा, ये लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करके दिखाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना। ये रेड कर्सर बता रहा है कि हम नेक्स्ट कौन से लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे, तो हम फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो फर्स्ट लाइन को जैसे ही हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो हमसे पूछ रहा है कि बताओ भाई किसका टेबल प्रिंट करना है, मैंने बोला 11 का, मैंने सबमिट किया, और अब देखो हमारे प्रोग्राम में नंबर का वैल्यू क्या हो गया है, 11। अब हम गए लाइन नंबर 3 में, और लाइन नंबर 3 में हमने आई का वैल्यू कितना सेट कर दिया, 1। अब हम गए लाइन नंबर 5 में, अब लाइन नंबर 5 में क्या हो रहा है कि आपने एक लूप लगा रखा है, और लूप में आप क्या कर रहे हो, एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, एक छोटा सा सवाल पूछ रहे हो कि भाई थोड़ा बताना कि आई का करंट वैल्यू क्या 11 से कम है। अब आपके आई का वैल्यू अभी क्या है, 1, 11 से कम है, तो आप लूप के अंदर घुस जाओगे, और लूप के अंदर घुसते ही आपको क्या करना है, लाइन नंबर 6 को एग्जीक्यूट करना है। और लाइन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है कि जो भी नंबर का करंट वैल्यू है और जो भी आई का करंट वैल्यू है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। नंबर का करंट वैल्यू क्या है, 11, और आई का करंट वैल्यू क्या है, 1। जैसे ही आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे स्क्रीन पे प्रिंट हो गया 11, ठीक है। फिर आप लाइन नंबर 7 पे गए जहां पे क्या लिखा हुआ है कि आई को 1 से इंक्रीमेंट करके वापस आई में डाल दो। तो अब क्या होगा, जैसे ही आप इस लाइन पे जाओगे आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। सिंस ये लूप है तो प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, आप वापस लाइन नंबर 5 पे गए और आपसे फिर से वो सवाल पूछा गया कि आई का करंट वैल्यू क्या 11 से कम है, आपने फिर से क्या बोला, यस, और आप फिर से लाइन नंबर 6 में घुस गए, और लाइन नंबर 6 में आपने फिर से क्या किया, नंबर की करंट वैल्यू को आई की करंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, जिससे आपके स्क्रीन पे क्या आ गया, 22। फिर से आपने आई को इंक्रीमेंट किया, आई का वैल्यू 3 हो गया बट अभी भी 11 से कम था, और ये चीज चलते रहेगी जब तक कि ब्रेकिंग कंडीशन नहीं आता। ये देखो हम लोग पहुंच रहे हैं, आई का वैल्यू 10 हो चुका है, अब आपने फिर से पूछा कि आई का वैल्यू 11 से कम है, हाँ अभी भी 11 से कम है, आप फिर से लूप के अंदर घुसे, नंबर और आई की करंट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, 110 प्रिंट हुआ, आई को इंक्रीमेंट कर दिया, अब वो 11 हो चुका है। अब जब आप लास्ट टाइम फिर से जाके आपने क्वेश्चन पूछा तो आप कंडीशन क्या है, 11 लेस देन 11 विच इज फॉल्स, तो अब आप लूप के अंदर नहीं घुसोगे और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज हाउ व्हाइल लूप वर्क्स। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई, दिस इज द कोड। बाय द वे इफ यू वॉन्ट आप इस कोड को और थोड़ा अच्छे से लिख सकते हो, थोड़ा फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जैसे कि 11 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 11, अगर आपको ऐसे लिखना है तो आप प्रिंट फंक्शन को थोड़ा और अच्छे से यूज करोगे, आप लिखोगे 11 मल्टीप्लाइड बाय आई कॉमा इक्वल टू कॉमा, और आप इसको रन कर दोगे। और ये देखो अब अगर आपने 12 लिखा, ये रहा आपका 12 का टेबल,
इन अ वेल फॉर्मेटेड मैनर, जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था जहां पे हमने क्या किया, वाइल लूप को यूज किया टू प्रिंट द टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। ठीक है, छोटा सा प्रोग्राम है, हमने समझने के लिए पाइथन ट्यूटर यूज किया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। गाइज इफ यू हैव एनी डाउट्स तो आस्क। बेसिक यूसेज था व्हाइल का, एक दो क्वेश्चंस अभी और करेंगे व्हाइल के ऊपर। चलो ठीक है गाइज, आगे बढ़ रहे हैं फिर से, बिकॉज अभी और चीजें कवर करनी है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। अगला जो प्रोग्राम है उसके पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं कि आपने थोड़ी देर पहले इफ एल्स पढ़ा था। पाइथन में क्या होता है कि आप लूप के साथ भी एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। जनरली बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है कि इफ एल्स होता है, तो एल्स हमेशा इफ के साथ यूज होता है, बट इन पाइथन व्हाट यू कैन डू इज आप लूप्स के साथ भी एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। ठीक है, लेट मी शो यू मैं क्या बोल रहा हूं। एक छोटा सा प्रोग्राम मैं आपको रन करके दिखा रहा हूं। मान लो एक्स का वैल्यू है 1, ठीक है, और मैं लिख रहा हूं व्हाइल एक्स का वैल्यू इज लेस देन 3 प्रिंट एक्स एंड एक्स प्लस इक्वल टू 1। और अब मैं नीचे आके लिख रहा हूं एल्स प्रिंट लिमिट क्रॉस्ड, दिस इज द कोड। ये कोड एक बार समझने की कोशिश करो। हमने क्या किया, हमने एक्स को एक वैल्यू दिया 1, फिर हमने लूप चलाया जिसका टर्मिनेशन का कंडीशन क्या था, एक्स लेस देन 3। और जब तक वो कंडीशन ट्रू है हम लूप के अंदर क्या कर रहे हैं, एक्स को प्रिंट कर रहे हैं और फिर एक्स को इंक्रीमेंट भी करते जा रहे हैं, राइट। और फिर जब लूप खत्म हो जा रहा है तो हम बाहर आकर के एक एल्स स्टेटमेंट लिख रहे हैं जहां पे हमने क्या लिखा, प्रिंट लिमिट क्रॉस्ड। ठीक है, इस कोड को आप जैसे ही रन करोगे, सी दिस इज द आउटपुट, राइट। सो होता क्या है कि जैसे ही लूप ब्रेक करता है आप एल्स का लॉजिक एग्जीक्यूट करवा देते हो। ठीक है, तो एल्स आप यूज कर सकते हो विथ पाइथन का लूप। ठीक है, इट इज अ गुड कॉन्सेप्ट, कुछ कुछ सिनेरियोज में आपको हेल्प करेगा। जैसे कि एक सिनेरियो मैं आपको दिखाता हूं। नेक्स्ट हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं विच इज एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। व्हाट वी विल डू इज वी विल क्रिएट अ गेसिंग गेम। ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग एक गेसिंग गेम बनाने जा रहे हैं। गेसिंग गेम में क्या होगा कि आप सबसे पहले एक रैंडमली 0 से लेके 100 के बीच में एक नंबर को सेलेक्ट कर लोगे, उस नंबर को हम अपना जैकपॉट नंबर बुलाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हम यूजर को बोलेंगे वो नंबर गेस करने के लिए। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मान लो हमारा जैकपॉट नंबर इज 50। अब हम यूजर को बोल रहे हैं चलो गेस करो, तो यूजर ने बोला मान लो 60, तो हम बोलेंगे गलत है थोड़ा नीचे गेस करो। ठीक है, यूजर ने बोला 40, हम बोलेंगे गलत है थोड़ा ऊपर गेस करो। यूजर ने बोला 50, हम बोलेंगे सही गेस किया, तुमने 3 अटेम्प्ट्स में सही गेस किया। ठीक है, तो हमें ये गेसिंग गेम बनाना है। ओके, तो ये कैसे होगा, एक बार ये वाला कोड करते हैं, हो सके तो आप लोग भी साथ में करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस कोड को लिखने के लिए, सबसे पहले वी विल जेनरेट अ रैंडम इंटीजर बिटवीन 1 एंड 100। सबसे पहले हम लोग ये करेंगे, कैसे जनरेट होता है रैंडमली कोई भी इंटीजर इन अ गिवन रेंज, हमने जस्ट पढ़ा थोड़ी देर पहले। रैंडम मॉड्यूल हम लोग यूज करेंगे, लेट्स इंपोर्ट रैंडम मॉड्यूल, और रैंडम के अंदर देर इज अ फंक्शन कॉल्ड रैंड इंट, जिसमें आपने दे दिया ये रेंज। ये क्या करेगा, नंबर आपको जनरेट करके दे देगा, और नंबर जनरेट करने के बाद आप क्या करोगे, जो भी नंबर जनरेट हुआ है उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दोगे, लेट्स कॉल दैट नंबर जैकपॉट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यूजर से यू हैव टू आस्क कि गेस करो व्हाट इज द नंबर। ठीक है, तो आप यूजर से बोल रहे हो गेस करो। ठीक है, वो जो भी गेस करेगा
आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट करोगे सबसे पहले, बिकॉज ऑब्वियसली आपको कंपेयर करना है जैकपॉट से। जैकपॉट एक इंटीजर है, तो आपको गेस से भी जो नंबर मिलेगा वो इंटीजर ही होना चाहिए। लेट्स स्टोर दिस नंबर इन अ वेरिएबल कॉल्ड गेस। ठीक है, अब देखो यहां पर मेन चीज स्टार्ट होती है। अब ये वाला जो प्रोग्राम है, अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो बिगिनर लेवल के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो मेरा आपको सजेशन क्या रहेगा कि जब भी आप इस तरह का कोई प्रोग्राम करो जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, तो आपको उसको ब्रेक करना चाहिए, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं एक छोटा सा कोड लिख रहा हूं जहां पे मैं बस ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, मैं बस एक क्वेश्चन का आंसर करूंगा कि जो मैंने गेस किया, जो यूजर ने गेस किया, वो जैकपॉट से ज्यादा है या जैकपॉट से कम है। ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन एक्चुअली राइट अ इफ एल्स स्टेटमेंट एंड आई कैन राइट इफ गेस का वैल्यू इज लेस देन जैकपॉट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी मैंने गेस किया, यूजर ने जो भी गेस किया वो जैकपॉट से छोटा है, तो मैं यूजर को क्या मैसेज दिखा सकता हूं, मैं बोलूंगा गलत, गेस हायर। ऑब्वियसली जो उसने गेस किया था जैकपॉट से छोटा था, तो मैं उसको एरर मैसेज क्या दे रहा हूं, गेस हायर, एल्स आई वुड प्रिंट गलत, गेस लोअर। ठीक है, आई नो देर इज अ थर्ड कंडीशन कि उसने सही गेस कर लिया, बट फिलहाल थोड़ी देर के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि या तो वो गलत लो में गेस करेगा या तो गलत हाई में गेस करेगा, सही गेस नहीं कर सकता। थोड़ी देर के लिए वी आर अज्यूमिंग दिस लॉजिक बिल्ड करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है जहां पे एक जैकपॉट नंबर है, फिर यूजर उसको गेस कर रहा है। ठीक है, और हम बता रहे हैं कि सही मतलब हाई में गलत है या लो में गलत है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, मैं इस कोड को रन कर रहा हूं और गेस करने को बोल रहा है, मैंने बोला 45 और मैंने एंटर मारा, देखो क्या बोल रहा है, गेस लोअर। इसका मतलब क्या है, जैकपॉट के अंदर जो भी नंबर है वो 45 से छोटा है। अब इतना प्रोग्राम तो हमारा सही से काम कर रहा है, बट इफ यू थिंक केयरफुली इस प्रोग्राम में देर इज अ मेजर फ्लॉ। फ्लॉ क्या है कि ये प्रोग्राम एक बार रन करने के बाद बंद हो जा रहा है, राइट? बट ये प्रोग्राम को कब तक चलना चाहिए, सिंस इट इज अ गेम, इसको तब तक चलना चाहिए जब तक यूजर ने सही गैस नहीं किया, राइट? जब वो सही गैस करेगा तभी प्रोग्राम रुकना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लूप लगाना पड़ेगा, और हम क्या करेंगे, हम वाइल लूप लगाएंगे। और वाइल लूप का कंडीशन क्या होगा, लूप कब तक चलेगा, लूप तब तक चलेगा जब तक यूजर सही गैस नहीं करता। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे व्हाइल गेस का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जैकपॉट, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक आप क्या करोगे, लूप के अंदर ये करोगे, आप उसको बताते रहोगे कि किस तरीके की गलती की उसने, ज्यादा वाली या कम वाली। ठीक है, और हर बार उसको गलती बताने के बाद आप क्या करोगे, बाहर निकल करके फिर से उसको एक और चांस दोगे गेस करने का। ठीक है, तो आप ये वाला कोड कॉपी पेस्ट, सो हर बार आप लूप के अंदर उसको पहले बता रहे हो कि भाई उसकी गलती कैसी है, कम वाली या ज्यादा वाली, और फिर आप उसको एक सेकेंड चांस दे रहे हो गेस करने का। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा है। यहां पर एक चीज देखने वाली है कि अगर आप लूप के अंदर हो, इसका मतलब यह है कि आपने गलत ही गेस किया होगा, क्योंकि सही गैस अगर आपने किया होता तो आप लूप से बाहर चले आते। ठीक है, तो आप बाहर निकल करके एक्चुअली क्या कर सकते हो, एक एल्स स्टेटमेंट में लिख सकते हो प्रिंट थर्ड कंडीशन करेक्ट गैस, एंड दिस इज द कोड गाइस। ये कोड आपको मल्टीपल चांसेस देगा, गलती करने पे बताएगा भी, और अगर आपने सही गैस किया तो भी आपको बताएगा। ठीक है, अब बस एक लास्ट चीज बच गई, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बताना। ठीक है, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बताना बहुत सिंपल है, जितनी बार आप उससे गेस करवा रहे हो उतनी बार उसको काउंट करते रहो। तो हम क्या करेंगे, इस जगह पे काउंटर बोल के एक वेरिएबल ले लेंगे विद अ वैल्यू ऑफ 1। 1 क्यों लिया, बिकॉज ऊपर हम ऑलरेडी उससे एक बार गेस करवा चुके हैं, और नीचे लूप के अंदर हम जितनी बार भी गेस करवाएंगे हम काउंटर को एक से इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में जब वो सही गेस कर देगा तो हम प्रिंट कर देंगे अटेम्प्ट्स और उसका वैल्यू,
जो भी काउंटर के अंदर है, एंड दिस इज द कोड गाइस। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा कोड है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, बट मैंने आपको लॉजिक स्क्रैच से बिल्ड करना सिखाया। हमेशा क्या करना, प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करना, उसको सॉल्व करना और फिर आगे बढ़ना। ठीक है, चलो एक बार इस कोड को रन कर रहे हैं और मैं चैट ओपन कर रहा हूं, और आप लोगों में से कोई एक नंबर आप लोग बोलो, कैन यू गेस इट इन वन अटेम्प्ट, एक नंबर बोलो गाइस, देखते हैं किसका नंबर सही पड़ता है। जिसका भी नंबर सही पड़ा, कोई भी मैच हो रहा है ड्रीम इलेवन पे, आज जाके पैसे लगा दो आप। चलो गिव मी अ नंबर। अनिकेत इज सेइंग 57, अभिति 3, मनीष 65, आस्था 50, राहुल 48, 93, 166। देख लेना भाई, जिसका आए सही बताना मुझे। लेट्स गेस 7। हाँ 7 तो नहीं है, गेस हायर, एकदम ही हाई कर लेते हैं, मान लो हमने 50 कर लिया। हाँ 50 से नीचे है, मतलब 7 और 50 के बीच में है। लेट्स डू 30, गेस हायर, तो 30 और 50 के बीच में है। लेट्स डू 40, गेस लोअर, 30 और 40 के बीच में है। 35 लोअर, 35 और 30 के बीच में है। 32 गेस हायर, 33, 33 बोला था क्या किसी ने गाइस? जिसने भी 33 बोला था, आज आपका दिन है, ड्रीम इलेवन पे घुस जाओ, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, सब बर्बाद है, पैसे लगाओ, अमीर बन जाओ। जो भी है, दिस वॉज द कोड, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगर आप खुद से लाइन बाय लाइन करो तो यू वुड गेट द आंसर। ठीक है, यू वुड राइट द प्रोग्राम इजिली। चलो किसी को डाउट है तो एक बार पूछ लो, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हाँ मतलब पढ़ाई लिखाई से अगर फायदा नहीं है तो फिर देर आर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, ट्राई करो। चलो ओके गाइस, थोड़ा सा मैं स्पीड अप कर रहा हूँ क्लास, नहीं तो कवर नहीं हो पाएगा। अभी हो रहा है 9:45, तो वी हैव 15 मोर मिनट्स। तो जल्दी से गाइस, हमने वाइल लूप तो पढ़ लिया, लेट्स क्विकली डू फॉर लूप्स। ठीक है, पाइथन में एक और तरीके का लूप होता है, फॉर लूप होता है, वो हम लोग सीखेंगे। तो पाइथन में फॉर लूप पढ़ाने के पहले आई वुड टेल यू वन थिंग, कि पाइथन का जो फॉर लूप होता है बहुत ही अलग होता है बाकी लैंग्वेजेस के फॉर लूप से, थोड़ा ज्यादा इजी होता है और ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, एक बार अगर आप पाइथन का फॉर लूप अच्छे से चलाना सीख गए, ट्रस्ट मी आगे आपका लाइफ आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पाइथन का फॉर लूप समझाने के लिए व्हाट आई वुड डू इज, आई वुड गिव यू स्मॉल कोड स्निपेट्स, और मैं आपसे पूछूंगा आउटपुट क्या है, आप बताना आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, सो पाइथन का फॉर लूप एक फंक्शन को यूज करता है जिसका नाम है रेंज। ठीक है, रेंज क्या करता है कि अगर आप उसको एक, एक्चुअली दो नंबर्स दो, तो रेंज उस रेंज के अंदर नंबर्स जनरेट करता है। तो मैं आपको सबसे पहले एक छोटा सा कोड लिख के दिखा रहा हूं जिसका आउटपुट क्या होगा कि आप बहुत इजीली एक से लेके 10 तक प्रिंट कर पाओगे। ठीक है, पाइथन में देखो एक से लेके 10 तक प्रिंट कैसे किया जाता है यूजिंग फॉर लूप, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। आपका कोड होगा फॉर आई इन द रेंज ऑफ 1 से लेके 11, प्रिंट आई, दिस इज द कोड गाइस। मैं एक बार रन कर रहा हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ये काम कैसे कर रहा है। ये देखो दिस इज द कोड, और आपको आउटपुट में मिल गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब अगर आपको थोड़ा सा अलग लग रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो लेट मी एक्सप्लेन यहां पे हुआ क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हो क्या रहा है कि आप इस रेंज फंक्शन को कॉल कर रहे हो और आप इसको इनपुट में दे रहे हो 1, 11। तो रेंज में पहला वाला नंबर इंक्लूडेड होता है, दूसरा वाला नंबर एक्सक्लूडेड होता है, तो दैट इज वाई रेंज क्या कर रहा है, रेंज 1 से लेके 10 तक नंबर्स जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो इस पूरे कोड की वजह से क्या हो रहा है कि आपके पास 10 नंबर्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप क्या कर रहे हो, एक एक करके उसके ऊपर लूप थ्रू कर रहे हो। ठीक है,
तो पहली बार क्या हो रहा है, आई जो है उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहा है, पहला नंबर जो भी है वन, और आप क्या कर रहे हो, आई को प्रिंट कर दे रहे हो विच इज वन। फिर लूप आगे बढ़ रहा है और अब आई का वैल्यू क्या हो जा रहा है, टू। सो ऐसे समझो कि इस रेंज के बदले यहां पर ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। अब क्या हो रहा है कि जो जब लूप पहली बार चल रहा है तो आई का वैल्यू ऑटोमेटिकली वन हो जा रहा है और आप लूप के अंदर घुस के आई को प्रिंट कर दे रहे हो। फिर आप ऊपर जा रहे हो और अब आई का वैल्यू क्या हो जा रहा है, टू हो जा रहा है, और अब आप क्या कर रहे हो, टू को प्रिंट कर रहे हो। फिर आई का वैल्यू अगले आइटरेशन में क्या हो रहा है, थ्री हो जा रहा है, और फिर आप थ्री को प्रिंट कर रहे हो। ठीक है, सो बेसिकली रेंज फंक्शन जो है उसका काम क्या होता है, एक गिवन रेंज में नंबर्स को जनरेट करने का, और उसके बाद हमारा फॉर लूप क्या करता है, जो भी नंबर्स जनरेट हुए हैं उसके ऊपर लूप थ्रू कर जाता है। तो ये अलग क्यों है, आई गेस आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपको कुछ भी स्टार्टिंग कंडीशन नहीं देना है, कुछ भी टर्मिनेट करने का कंडीशन नहीं देना है, कुछ भी इंक्रीमेंट करने का कंडीशन नहीं देना है, जो आपको बाकी लैंग्वेजेस में देना होता था, फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। तो आपको तीन चीजें बतानी होती थी, आई का शुरू का वैल्यू, आई का लास्ट वैल्यू, और कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं बताना, आपने बस एक सेट ऑफ नंबर्स दिए, आप उसके ऊपर लूप थ्रू करते जा रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको एक दो चीजें और दिखाता हूँ जल्दी से। जैसे ये रेंज फंक्शन है, ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है, तो यहाँ पर आप एक थर्ड चीज भी डाल सकते हो, और ये नंबर क्या होता है, ये होता है स्टेप साइज, कि आप जो 1 से लेके 11 तक, 1 से लेके 10 तक जो नंबर्स जनरेट कर रहे हो वो कितने डिफरेंस, कितने इंटरवल पे होंगे। तो अगर आपने 2 लिख दिया तो अब 1 के बाद 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 5 के बाद 6 नहीं आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो अब इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ये देखो 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, आई गेस आपको ये चीज समझ में आ रही है। सिमिलरली अगर आपने यहाँ पे 5 या 4 लिख दिया होता लेट्स से, तो आप तीन तीन का जंप, चार चार का जंप लेते, एक के बाद 5 आता, 5 के बाद 9 आता। तो ये जो थर्ड पैरामीटर है इसको स्टेप साइज बोला जाता है, और इससे आप जंप्स करवा सकते हो। ठीक है, एक दो चीजें और दिखाता हूं मैं आपको जल्दी से। जैसे मान लो किसी ने आपको बोल दिया कि भाई हमें 10 से लेकर के 1 तक उल्टे नंबर्स को प्रिंट करना है, तो पहले 10 आना चाहिए, फिर 9 आना चाहिए, फिर 8 आना चाहिए, ये हमें चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप कंप्लीटली उल्टे तरीके से पूरी चीज को लिखोगे। आप लिखोगे 10 से आप जाओगे 0 तक, ठीक है, फर्स्ट वाला इंक्लूडेड, लास्ट वाला नॉट इंक्लूडेड, तो 10 इज इंक्लूडेड, 0 इज नॉट इंक्लूडेड, और इस बार आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा -1 का। ठीक है, आप -1 का इंक्रीमेंट दे रहे हो, तो पहली बार आई का वैल्यू क्या होगा, 10, उसके बाद 9, फिर 8, और जाके कहां पे रुकेगा, 1 पे रुक जाएगा। ठीक है, आई गेस समझ में आ रहा है आपको। तो पाइथन का फॉर लूप इज वेरी वेरी पावरफुल, और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि नॉट ओनली ये नंबर्स के ऊपर आइटरेट कर सकता है, ये आपके बाकी डेटा टाइप्स के ऊपर भी आइटरेट कर सकता है। अगर आप चाहो तो आप ये कोड लिख सकते हो, ध्यान से देखो, आप ये लिख रहे हो फॉर आई इन दिल्ली प्रिंट आई। तो अब क्या होगा कि आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आइटरेट कर रहे हो सारे के सारे स्ट्रिंग्स पे, और आपका आउटपुट विल बी दिस, डी फिर ई फिर एल फिर एच फिर आई। नॉट ओनली दिस, इफ यू वॉन्ट, आप चाहो तो आइटरेट कर सकते हो एक गिवन लिस्ट के ऊपर, हर बार आइटम बाय आइटम आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, आप चाहो तो आप आइटरेट कर सकते हो टपल के ऊपर लाइक दिस, आप चाहो तो आप आइटरेट कर सकते हो सेट के ऊपर, और आप चाहो तो आप आइटरेट कर सकते हो डिक्शनरी के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली इन शॉर्ट पाइथन का जो फॉर लूप है वो थोड़ा डिफरेंट है, ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ज्यादा पावरफुल है, और मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा इजी भी है। ठीक है, बिकॉज आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको नहीं बताना है कि आई शुरू कहां से होगा, खत्म कहां पे होगा, इंक्रीमेंट कैसे होगा, ये सब आपको स्पेसिफाई नहीं करना, आपको ऑटोमेटिकली फॉर लूप सारा काम करके दे देता है। ठीक है, तो एक दो एग्जाम्पल जल्दी से हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर लूप का भी कर लेते हैं, सो दैट आप थोड़ा आपको आइडिया लग पाए। ठीक है, तो यहां पर एक प्रोग्राम है, जल्दी से इसको करते हैं। तो सिंपल सा प्रोग्राम है, समझने की कोशिश करना। एक टाउन है, उसका करंट पॉपुलेशन इज 10,000, जो करंट पॉपुलेशन है दैट इज 10,000, और
जो पॉपुलेशन है इस टाउन का वो हर साल 10% से बढ़ता है, ठीक है। तो आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो आज से पिछले 10 सालों में जो भी पॉपुलेशन था उस शहर का वो प्रिंट करके देगा, ठीक है। तो मतलब 2022 में पॉपुलेशन कितना था, 2021 में पॉपुलेशन कितना था, 2020 में पॉपुलेशन कितना था, 2019 में पॉपुलेशन कितना था। सो पहले 10th ईयर का पॉपुलेशन, फिर 9th का, फिर 8th का, फिर 7th का, फिर 6th का, फिर 1st ईयर का, ठीक है। बस इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि हर साल जो पॉपुलेशन है वो 10% से बढ़ रहा है। तो हम जैसे जैसे पीछे जाएंगे हम पॉपुलेशन को 10% से घटाते जाएंगे, ठीक है। तो चलो इस कोड को एक बार लिखते हैं। यहाँ पे हम फॉर लूप यूज करेंगे, ध्यान से देखना कैसे करोगे। बहुत ही सिंपल है। हम करंट पॉपुलेशन जो है उसको एक वेरिएबल में डाल लेते हैं, लेट्स कॉल इट, लेट्स गिव इट अ वैल्यू ऑफ 10,000। जो अभी आज जो पॉपुलेशन है वो है 10,000, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक लूप चला रहा हूं फॉर आई इन द रेंज ऑफ 1 से लेके 11, एक्चुअली 10 से लेके 0 -1। मैं उल्टा लूप चला रहा हूं, सबसे पहले 10th ईयर आएगा, फिर 9th ईयर आएगा, फिर 8th ईयर आएगा, फिर 7th ईयर आएगा, उल्टा जा रहे हैं हम लोग। और हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर सिंपली प्रिंट करते जा रहे हैं आई का वैल्यू। आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ईयर, और साथ ही साथ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस साल व्हाट इज द पॉपुलेशन। तो जैसे कि फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या होगा, 10th, जो सबसे बाद वाला ईयर है, और उस टाइम पॉपुलेशन क्या है, 10,000, ठीक है। उसके बाद क्या करना है मुझे, करंट पॉपुलेशन को अपडेट करना है। हर साल पीछे जब आप जाओगे तो 10% पॉपुलेशन घटेगा, तो आप क्या करोगे, करंट पॉपुलेशन को डिक्रीज करते जाओगे बाय अ फैक्टर ऑफ 10। और वो आप कैसे करोगे, बहुत सिंपल है, 0.1 टाइम्स करंट पॉपुलेशन, ठीक है। एंड दैट्स इट गाइस। आप क्या कर रहे हो, 10% ऑफ द पॉपुलेशन निकाल के करंट पॉपुलेशन से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और वापस करंट पॉपुलेशन में डालते जा रहे हो। और जैसे ही आप इसको रन करोगे, दिस इज द कोड, 10,000 था, उसके पहले 9,000 था, उसके पहले 8,100 था, उसके पहले 7,290 था, और 10 साल पहले पॉपुलेशन 3,870 था, जो 10 सालों में बढ़ करके 10,000 तक पहुंचा है, ठीक है। तो बेसिकली ये कोड था जहां पे आपको नेगेटिव उल्टा लूप लगाना है। वैसे तो सीधे में भी आप जुगाड़ लगा के कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये वाला कोड, और अगर आपको फॉर लूप समझ में आया तो लेट मी नो। इस क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो गाइज लेट मी नो। ओके चलो, अब गाइज इट इज ऑलरेडी ऑलमोस्ट 10 o'clock और हमारी कुछ चीजें अभी बची हुई हैं। जैसे हमें अभी पढ़ना है नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं, और कुछ पैटर्न वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में या इंटरव्यूज में। तो मुझे आपको कुछ पैटर्न वाले क्वेश्चंस बताने थे, और उसके बाद ब्रेक कंटिन्यूअन पास स्टेटमेंट्स आपको पढ़ाना था। तो यू टेल मी, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू या फिर हम इसे नेक्स्ट सेशन में करें। चैट में बताओ अभी करना चाहिए या फिर नेक्स्ट सेशन में करें। ओके ठीक है, ठीक है गाइस, फिर एक काम करते हैं, आज इतना ही करते हैं। कल हम लोग फर्स्ट हाफ एन आवर या 45 मिनट्स में ये जो बाकी की चीजें बची हुई हैं, नेस्टेड लूप्स और लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ये कल नेक्स्ट 40 मिनट्स में कर लेंगे। अभी इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज आधे लोग बोल रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास में करो, एंड आई एक्चुअली बिलीव कि जितना दिमाग में आए उतना ही पढ़ना चाहिए। सो कल करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक हमने जितना पढ़ा उसके बेसिस पे ही आपको असाइनमेंट दे देंगे,
और फिर जब हम पढ़ेंगे इसको तो इसका भी हम लोग असाइनमेंट आपको दे देंगे। इट्स ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब जाते जाते लेट मी नो कैसा लगा सेशन, सही लगा आज का? डिड यू लाइक इट? ओके ठीक है। सो गाइज, अब अगर आपको आज के सेशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है ना, तो आपको जो मेंबरशिप वाले टैब में जो फॉर्म दिया हुआ है ना, आप वो फॉर्म फिल कर दो, हम लोग आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी करने का, और बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कल हम लोग का टारगेट रहेगा फर्स्ट 40 मिनट्स में हम लोग ये कर लेंगे, जो बचा हुआ है 30 मिनट्स में कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे कल और लिस्ट पढ़ेंगे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। और अगर आपको थोड़ा भी डाउट है आज के सेशन में, तो एक बार दोबारा पढ़ लेना, और कोई परेशानी है, कोई कॉन्सेप्ट अगर समझने में प्रॉब्लम हुआ, तो फॉर्म में आप अपना कॉन्सेप्चुअल डाउट भी भेज सकते हो। ठीक है, हम लोग उसका भी रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो समवन इज आस्किंग मल्टीपल टाइम सबमिट कर सकते हैं क्या फॉर्म? हाँ कर सकते हो, अगर आपके पास मल्टीपल डाउट्स हैं तो आप भेजो। नितेश इज आस्किंग असाइनमेंट कहाँ अपलोड करना है? यार अपलोड नहीं करना है, मैं आपको बार बार एक चीज बता रहा हूँ कि हमारे जो असाइनमेंट्स हैं वो आप करो और सेल्फ असेसमेंट करो। सेल्फ असेसमेंट का मतलब है सैटरडे को हम सोल्यूशन बताएंगे, तो सोल्यूशन देख के आप खुद समझने की कोशिश करो कि आपने कितना सही किया कितना गलत किया। हम आपका असाइनमेंट इवेल्युएट नहीं कर सकते अभी, उसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और हमारे पास उतनी बड़ी टीम नहीं है टू इवेल्युएट ईच एंड एवरी असाइनमेंट। हम आपको इवेल्युएट करेंगे थ्रू टेस्ट, आपका टेस्ट लिया जाएगा, उससे हम आपको इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, असाइनमेंट्स आपके लिए हैं। ठीक है, जितने अच्छे से आप करोगे आपको उतना फायदा होगा। स्कूल वाला होमवर्क वाला सीन नहीं है कि आप कॉपी लेके आओगे और हम चेक करेंगे। ठीक है, चलो। तरुण इज सेइंग सर रैंडम मॉड्यूल पूरा पढ़ाते तो अच्छा होता। तरुण, हम लोग आगे पढ़ेंगे यार, डोंट वरी। वो बस एक मैंने आपको ये दिखाया कि आप मॉड्यूल्स को कैसे इंपोर्ट कर सकते हो, मैंने डेट टाइम भी पूरा नहीं पढ़ाया, बट हम आगे उसको पढ़ेंगे, डोंट वरी। और बाकी अगर आपको लग रहा है कुछ छूट रहा है, तो मैंने आपको बोला कॉन्स्टेंटली फीडबैक आप पूरे टाइम देते रहो, कुछ भी नहीं छूटेगा यार, मैं बता रहा हूँ ना। मैं जानबूझ के आराम आराम से चल रहा हूँ कि हम लोग सब कुछ कवर करें। ठीक है, इंटरव्यू वाला जो अभी हम लोग सैटरडे को सेशन करेंगे, उसमें हम सारे बचे हुए टॉपिक्स कवर कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, हितेश सिंह आज बुक्स के सजेशन भी बताने के लिए कहा था, प्लीज सजेस्ट। गिव मी वन मोर डे यार, मैं एक ड्राइव फोल्डर बना देता हूँ, उसमें सारे के सारे आपके जो भी मेरे बुक्स आई प्रेफर, ऑल दो मैं तो बहुत ज्यादा बुक्स फॉलो नहीं करता पाइथन में, बिकॉज एप्लीकेशन डेवलप करते करते समझ में आ ही जाता है, बट आई वुड सजेस्ट सम बुक्स टू यू। ठीक है, विनय सिंह रेंज फंक्शन बता दीजिए सर एक बार। यार रेंज फंक्शन इज बेसिकली एन आइटरेटर जो एक गिवन रेंज में नंबर्स जनरेट करता है, दैट्स इट, और कुछ खास नहीं है उसमें। और उसमें एक थर्ड पैरामीटर होता है जिसमें आप स्टेप साइज दे सकते हो, तो जंप ले पाते हो आप। ठीक है, करण इज आस्किंग टास्क 30 से कम होगा? हाँ अब 30 से कम हो जाएगा, बिकॉज सारा चीज कवर नहीं हो पाया, फिर भी मान के चलो आपको अराउंड 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। कनिष्क इज आस्किंग नंपाई कब से स्टार्ट होगा? नंपाई स्टार्ट होगा आपका नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक एक क्लास होगी नंपाई की। मनीष, अगर आपको नहीं समझ में आया लूप तो कल एक बार फिर से बता देंगे। डेटा स्ट्रक्चर्स के वीडियो की लिंक, यार डेटा स्ट्रक्चर्स के वीडियोस तो यार एडिट नहीं हुए हैं यार, और अभी टाइम नहीं मिल पा रहा, कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो धीरे धीरे ऐड कर देंगे, डोंट वरी। कृष्णा इज आस्किंग सर आपको शेड्यूल अपलोड करना था इस कोर्स का? शेड्यूल तो यार मैंने इस मंथ का पूरा आपको बता दिया यार, बाकी हम लोग वेबसाइट में वीक बाय वीक अपलोड करते जाएंगे। मनोहर इज सेइंग प्लीज अपलोड टास्क एज सुन एज पॉसिबल। रात में करते हैं मनोहर, रात में आई ट्राई अपलोड करने का। शुभम इज सेइंग सर पाइथन गूगल कोलैब पर ही चलेगा क्या? नहीं, हम लोग नेक्स्ट वीक में पाइथन इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने बोला ना अभी जानबूझ के क्लास शुरू हो रही है, तो इंस्टॉलेशन वाला लफड़ा नहीं ले रहे हैं, बिकॉज फिर टाइम वेस्ट होता है। पृथ्वी, असाइनमेंट आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगा, campusx.in पे जाओ,
वहां पे टाइमलाइन वाला जो पेज है उस पर क्लिक करो, सबसे बॉटम पे आपको मिल जाएगा। असाइनमेंट वहीं पर है। डिस्कॉर्ड कम्युनिटी मैंने जैसा बोला अभी बना नहीं है, गिव मी 1 और 2 डेज। एक बार ये तीनों सेशंस हो जाने तो थर्सडे को मैं आपका डिस्कॉर्ड कम्युनिटी बना दूंगा। विनायक सिंह, टेक टू नंबर्स एज इनपुट फ्रॉम द यूजर, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप द नंबर्स विदाउट यूजिंग एनी स्पेशल पाइथन सिंटेक्स, दिस इज नंपाई क्वेश्चन। नहीं, अरे मैं टेम्प वेरिएबल लेके करने को बोल रहा था। विनय सिंह, वी विल यूज जुपिटर ना? हाँ, डेटा साइंस के लिए वी वुड यूज जुपिटर। ये जो गूगल कोलैब है ये भी तो जुपिटर ही है। वैभव, हम लोग एक क्लास थोड़ा पीछे चल रहे हैं, वो वी वुड कवर दैट, डोंट वरी। नंपाई पहले ही कवर हो जाएगा, नवंबर के अंदर ही कवर हो जाएगा। आरजी इज आस्किंग, क्या हम गिटहब में अपलोड कर सकते हैं टास्क? हाँ करो ना यार, बिल्कुल। जितना आप ऑर्गेनाइज करके रखोगे आपको आगे भी फायदा होगा। देवजीत सिंह, सुबह टाइम नहीं मिल पाता सर, टास्क रात में अपलोड कर दीजिए। हाँ यार, कल तो मैंने रात को 2 बजे किया था सारा टास्क बना के, थोड़ा टाइम लग जाता है बट आज भी हो जाएगा, डोंट वरी। सागर सिंह, आपका रेगेक्स का वीडियो कब आएगा? थोड़ा टाइम दो यार, अभी ये कोर्स स्टार्ट होने की वजह से टाइम नहीं मिल रहा है, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं बना दूंगा। मिहिर सिंह, सर टाइमलाइन वाले सेक्शन को रिवर्स कर दीजिएगा, स्क्रॉल करना पड़ता है। हाँ सही बात है, वो मुझे थोड़ा टाइम दो, इस वीक के बाद उसको रिवर्स कर देंगे, सबसे रीसेंट वाली क्लास ऊपर दिखाई देगी। अभिषेक सिंह, डीएसए? डीएसए तो नहीं है यार इस कोर्स का पार्ट, बट हम आपको एरेज और स्ट्रिंग्स के क्वेश्चंस करा देंगे, जितने भी डेटा साइंटिस्ट वाले इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। वो आगे की जो चीजें हैं, ट्रीज, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, लिंक्ड लिस्ट, ये सब हम लोग नहीं पढ़ रहे मेरे। हाँ क्लास ओवर है बाय द वे गाइस, आप लोग जा सकते हो, जिसको भी डाउट नहीं है, जिसको डाउट है वो लोग रुक जाओ, मैं 5 मिनट और यहाँ पर हूँ। सो या डीएसए में सब कुछ नहीं पढ़ा रहे, ऑल दो मेरे पास एक प्लेलिस्ट है, वो ट्राई टू अपलोड इट एज सुन एज पॉसिबल, बट एरेज और स्ट्रिंग्स पे हम लोग फोकस करेंगे बिकॉज ज्यादातर कंपनीज बस उनसे ही क्वेश्चंस पूछती है। पार्थ इज सेइंग, कैन यू टेल मी व्हाट इज रॉन्ग इन दिस कोड? पॉप 10,000 फॉर इन रेंज प्रिंट आई पॉप, पॉप इज इक्वल टू, मुझे तो नहीं लग रहा कुछ गलत है। आप एक बार कोड रन करके देखो और बताओ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो पूछो फॉर्म में फिल करके। हाँ मनीष, गुड नाइट यार, जो भी लोगों को डाउट नहीं है जाओ फिर हैव डिनर, कल मिलते हैं और यहीं से कंटिन्यू करते हैं। आई होप अभी तक 2 क्लासेस हुई हैं आपको समझ में आ रहा है। गुरु इज सेइंग, असाइनमेंट्स एक्सप्लेन नहीं करोगे क्या सर? असाइनमेंट एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? मतलब सिंपल प्रोग्राम्स तो लिखे हुए हैं, बोलोगे तो कर देंगे, मुझे लगा इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप देख के समझ पा रहे हो क्या करना है। बाकी मैं सॉल्यूशन तो बताऊंगा सैटरडे को, मतलब मुझे लगा जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई। सुधांशु सिंह, रॉ वीडियो अपलोड कर? यार रॉ वीडियो बड़ा रिस्की होता है, मुझे खुद नहीं पता उसमें क्या होगा। वैसे अपलोड करना थोड़ा रिस्की है, मतलब समझो इस बात को, क्योंकि यूट्यूब पे इट्स ओपन ना, सभी लोग देख रहे हैं, तो रॉ वीडियो कैन एक्चुअली हैव एनीथिंग, मतलब क्लास शुरू होने से पहले, क्लास खत्म होने के बाद का भी कंटेंट रहता है, जहाँ पे हम आपस में हमारे टीममेट से बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल है वैसा करना। उमेश, विल वी कंप्लीट एंटायर पाइथन इन दिस मंथ? यस, पाइथन तो हो जाएगा, नंपाई भी हो जाएगा, पैंडा शुरू हो जाएगा, फिर पैंडाज हम लोग कंटिन्यू करेंगे दिसंबर में। देवजीत सिंह, लूप में लॉजिक बिल्डिंग में प्रॉब्लम आती है सर? उसका एक ही तरीका है यार, ज्यादा प्रोग्राम्स आपको लिखने पड़ेंगे, अभी जो किया ये करो और फिर रात में टास्क दे रहे हैं वो भी करो, जितना करते जाओगे धीरे धीरे इंप्रूव हो जाता है। कोडिंग इज लाइक स्विमिंग या फिर कोई स्पोर्ट्स खेलना, जितना खेलोगे जितना स्विम करोगे उतना अच्छे होते जाओगे। अभिषेक, सम क्वेश्चंस वर क्वाइट मॉडरेट लेवल। हाँ यार, उसका रीजन ये है कि क्लास ही पूरी मॉडरेट लेवल पे चल रही है, इनफैक्ट बहुत बेसिक लेवल पे चल रही है। अगर आपको पहले से आता है तो फिर ऑब्वियसली आपको उतना मजा नहीं आएगा, बट एक दो दिन रुको, थोड़ा हम लोग जब आगे के टॉपिक्स में मूव करेंगे हम लोग काफी डीप जाएंगे। इनफैक्ट आज भी कुछ प्रोग्राम्स हैं आगे जो हम आज कर नहीं पाए, ये इसमें से कुछ प्रोग्राम्स अच्छे हैं, तो वो तो होगा ही, इफ यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दीज टॉपिक्स तो थोड़ा आपको ईजी लगेगा, बट गोइंग फॉरवर्ड अच्छे टॉपिक्स आप लोग करोगे। अभिषेक, लाइव जूम पे कराओ? कराएंगे यार, अगले महीने से कराएंगे, एक बार अपनी वेबसाइट स्टार्ट होने दो। शरद सिंह, सर वी कैन डिस्कस असाइनमेंट इन डिस्कॉर्ड कम्युनिटी? हाँ डिस्कॉर्ड में यार आप लोग जो भी करो, आप लोग आपस में जितना भी कोलैबोरेट करो
उसी लिए खोलेंगे वो कम्युनिटी। नितेश, हाँ यार कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट करने का। पार्थ, आप एक काम करो, आप फॉर्म फिल कर दो, ठीक है? आपको जो भी प्रॉब्लम है छोटा सा एक फॉर्म में फिल कर दो, आपको तुरंत रिस्पॉन्स आ जाएगा सही कोड के साथ। बाकी मैं यहाँ पे कोड दिखा दे रहा हूँ, आप देख के लिख लो अगर आप लिखना चाहो तो। कौशिक सिंह, कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं कोडिंग? फिलहाल तो यार हम जो टास्क दे रहे हैं वो कंप्लीट करो, एक बार वो कर लोगे ना तो फिर उसके बाद और क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ कहाँ मिलेंगे। ठीक है गाइस, फिर चलो लेट्स मीट टुमारो और यहीं से कंटिन्यू करते हैं। रात में आपको टास्क भेज देंगे, टास्क फिर से बोल रहा हूँ आपको वेबसाइट में मिलेगा, ठीक है? टाइमलाइन वाले फीचर में। चलो फिर, आई विल क्लोज द सेशन। बाय, गुड नाइट।